हेलो स्टूडेंट, तो माई सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर आईआईटी जेई क्वेश्चंस इन टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इज, क्वेश्चन नंबर वन में बोला गया बेटा, ए कंप्यूटर प्रोडक्ट फैक्ट्री हैज ओनली टू प्लांट्स T1 एंड T2। ए कंप्यूटर फैक्ट्री के अंदर टू प्लांट्स है T1 T2। प्रोड्यूस 20 प्लांट T1 प्रोड्यूस 20% एंड प्लांट T2 प्रोड्यूस 80% ऑफ द टोटल कंप्यूटर प्रोडक्शन। जो टोटल कंप्यूटर प्रोडक्शन का जो 20% पार्ट है वो तो T1 प्लांट के द्वारा होगा और रिमेनिंग 80% पार्ट T2 प्लांट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 7% ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन दी फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। उन टोटल कंप्यूटर प्रोडक्ट में से 7% जो कंप्यूटर प्रोडक्ट है वो आपके क्या डिफेक्टिव, उससे फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, इट इज नो दैट अपन को गिवन क्या क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1। प्लांट T1 के द्वारा जो कंप्यूटर आपके प्रोड्यूस होंगे उनकी, उनमें से जो डिफेक्टिव कंप्यूटर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्विवेलेंट है, 10 times ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। मतलब T1 प्लांट से जो आपके कंप्यूटर्स प्रोड्यूस होंगे उनके डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10 times है T2 के द्वारा जो डिफेक्टिव आपके कंप्यूटर्स है उसके इक्विवेलेंट इसमें बोला गया। ठीक है, चलें फिर क्या बोला गया, वेयर PE डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ एन इवेंट E ए कंप्यूटर, मतलब प्रोबेबिलिटी PE का मीनिंग है डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E ए कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन दी फैक्ट्री इज रेंडमली सेलेक्टेड। मतलब जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करेगा आपका फैक्ट्री से, जितने भी कंप्यूटर आपके प्रोड्यूस होंगे उसमें से रेंडमली एक फैक्ट्री को सेलेक्ट किया जाता है एंड इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, और उससे जो आपने कंप्यूटर फाइंड आउट किया वो आपको कैसा मिलता है, डिफेक्टिव। डू नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब वो आपका सही कंप्यूटर है। देन दी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2, तो उसके प्लांट T2 से प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी आपको क्या करनी है, फाइंड आउट। तो देखो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना अपन लिखते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन में आपको गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं कि ये लिख देते हैं कि पी T1 इंटरसेक्शन प्रोड्यूस, मतलब प्लांट T1 के द्वारा जितने कंप्यूटर प्रोड्यूस होंगे वो कितने परसेंटेज है, 20% का मतलब 1/5। यस सर। सिमिलरली आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट T2 प्रोड्यूस कंप्यूटर इज 4/5। इसका मीनिंग ये है कि प्लांट T1 से जो कंप्यूटर आपके प्रोड्यूस होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है और सेकेंड प्लांट से जितने भी कंप्यूटर्स आपके प्रोड्यूस होंगे उसकी प्रॉपर्टी आपको 4/5 गिवन है। यस सर। फिर क्या बोला गया, इस कंडीशन की हेल्प लें आप कि आप ये लेट करो कि जो T2 प्लांट या T1 प्लांट में से कोई भी एक प्लांट है उसके द्वारा लेट एक्स कंप्यूटर आपके या एक्स परसेंटेज जो कंप्यूटर्स हैं आपके वो क्या होंगे, उससे डिफेक्टिव प्रोड्यूस होंगे। ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन डिफेक्टिव प्रोडक्ट या डिफेक्टिव कंप्यूटर्स इज लेट एक्स। आपने उनको क्या लेट किया, उसकी प्रॉपर्टी एक्स लेट की, कि लेट जो आपका T2 प्लांट से उससे डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो आपके लेट एक्स प्रॉबिलिटी उसकी, और पी T1 इंटरसेक्शन डिफेक्टिव प्रोडक्ट वाय प्लांट T1 इज डिफेक्टिव प्रोडक्ट वाय प्लांट T1 इज कितना होगा। फिर ये अगर आपने x परसेंट लेट किया या उसकी प्रॉबर्टी x है तो इसकी प्रॉबर्टी क्या होगी, बोलो 10x। ये क्वेश्चन में गिवन है और बाद में बोला गया है कि प्लांट T1 और प्लांट T2 के से जो टोटल आपके डिफेक्टिव कंप्यूटर्स हैं उनकी वैल्यू गिवन है 7%, कि 7% ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूस इन दी फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। तो क्या कर सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं ना कि प्लांट T1 से आपका कोई भी कंप्यूटर प्रोड्यूस हो और उसके डिफेक्टिव होने की प्रॉबर्टी एक्स है और सेकेंड से
प्रोड्यूस हो उसके डिफेक्टिव होने की प्रॉबिलिटी 10x है, उसका समेशन गिवन है 7% ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूस इन दी फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, कि टोटल में से 7% जो प्रोडक्शन है वो आपका डिफेक्टिव है। तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में बोला गया कि, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखा कि T1 प्लांट के द्वारा जो प्रोडक्शन है वो 1/5 है, T2 प्लांट के द्वारा जो प्रोडक्शन है वो 4/5 प्रोबेबिलिटी है, T2 प्लांट से जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट हैं वो लेट एक्स हैं और T1 प्लांट्स के उसके 10x होंगे। ठीक है, अब क्या लिखना है कि जो कोई भी दोनों में से किसी भी प्लांट से जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 7%, कि 7% उनमें से टोटल जो डिफेक्टिव हैं वो आपके 7% हैं। तो क्या लिखोगे कि जो भी आपका डिफेक्टिव, आप पहले क्या करोगे कि लेट आपने T1 प्लांट का सिलेक्शन किया हो और उसमें से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10x प्लस आपने सेकेंड प्लांट का सिलेक्शन किया हो और उससे प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है x, ये गिवन है आपको 7/100। क्या गिवन हो 7/100, तो देन ये 5 से कैंसिल होके 20 आ गया और 10x और 4x इज 14x, दिस इज 7/20, तो ये इससे आ गया 2, तो x इससे आ गया 1/40, मतलब जो x की वैल्यू कितनी होगी बोलो 1/40। x की वैल्यू आने के बाद अब देखो इसके बाद क्या करना, अपन को अपन से पूछा गया कि जो भी प्रोडक्ट है आपका वो T2 प्लांट से नॉन डिफेक्टिव की प्रॉपर्टी बताओ, तो क्या लिखोगे T2 इंटरसेक्शन ND, मतलब जो भी आपने कोई भी कंप्यूटर उसमें से सिलेक्ट किया उसके नॉन डिफेक्टिव होने की प्रॉपर्टी बताओ कब, जब वो T2 प्लांट से सिलेक्ट किया हो। तो इसमें सिंपल आपको बेस थ्योरम की हेल्प लेनी है, तो क्या करोगे अपॉन में तो लिखना है कि टोटल आपके नॉन डिफेक्टिव, आप कंप्यूटर से आप उस प्लांट में से कोई भी एक कंप्यूटर का सिलेक्शन करते हो तो उसके नॉन डिफेक्टिव होने की प्रॉबर्टी, ये तो होगा उसका सैंपल स्पेस, और प्रॉबर्टी क्या होगी कि जो सिलेक्टेड आपका नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर वो आपका T2 प्लांट से होना चाहिए, उसको लिख दे आप। ठीक है, तो आप वेस थ्योरम यूज कर सकते हो या फिर सिंपल क्या करो सैंपल और फेवल केस की बात कर सकते हो। सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ वन कंप्यूटर इज नॉन डिफेक्टिव इन एनी प्लांट, तो क्या करोगे पहले T1 प्लांट का सिलेक्शन करो और सिलेक्टेड प्लांट से उसके नॉन डिफेक्टिव होने की प्रॉपर्टी, डिफेक्टिव की प्रॉपर्टी x है तो उसके नॉन डिफेक्टिव की क्या लिखोगे, सॉरी नॉन डिफेक्टिव की प्रॉपर्टी 10x है, डिफेक्टिव की तो नॉन डिफेक्टिव की क्या होगी 1 - 10x, प्लस आपने सेकेंड प्लांट का सिलेक्शन किया हो तो उससे जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया उसके अगेन नॉन डिफेक्टिव की प्रॉपर्टी क्या लिखोगे बोलो 1-, ये तो आ गया सिंपल स्पेस। और फेवरेबल केस में क्या करना है कि वो सिलेक्टेड आपका कंप्यूटर है वो T2 प्लांट से होना चाहिए, तो उसकी प्रॉपर्टी T2 प्लांट को सिलेक्ट करें और उसके नॉन डिफेक्टिव की प्रॉपर्टी क्या होगी 1/x, तो देन आपकी रिक्वायर्ड प्रॉबर्टी क्या होगी F/S। तो आप क्या करो F और S की वैल्यू पुट करें और उसमें X की वैल्यू को जैसे ही पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें फिर सॉल्व करें उसके बाद, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जब सॉल्व करोगे आप तो आंसर शायद थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग करके देखना जो भी आंसर, ठीक है ना, बस कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, चलो उसके बाद अपन आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया अपन से देखो, पढ़े सभी। ए डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, एक डिबेट क्लब में टोटल 6 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं। ए टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ ए कप्तान, मतलब आप 6 गर्ल्स और 4 बॉयज से आपको एक 4 मेंबर्स की टीम फॉर्म करनी है, और साथ की साथ क्या ध्यान रखना है इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ ए कैप्टन, उसमें कैप्टन का भी सिलेक्शन करना उन 4 में से किसी को भी। इफ द टीम हैज टू बी इंक्लूड एटमोस्ट 1 बॉय, मैक्सिमम 1 बॉय आप ले सकते हो, then the number of way of selecting the team, तो देखो क्या करोगे सिंपल PNC का क्वेश्चन है, मैक्सिमम आप 1 वो ले सकते हो, तो क्या करोगे
फोर पर्सन है, आपको फोर मेंबर की कमेटी फॉर्म करनी है, तो एक आप बॉय ले सकते हो, रिमेनिंग गर्ल्स या ऑल फोर आर गर्ल्स। तो क्या करोगे, वन बॉयज फाइव गर्ल्स प्लस जीरो बॉयज, और ये तो केवल सिलेक्शन की बात हुई है, तो क्या होगा, 4C1 × 6C5 प्लस जीरो बॉयज, तो 4C0 हटाओ, 6C सॉरी गलत, आपको 3 लेनी, एक सेकेंड अपन को क्या करना, 3 का सिलेक्शन करना था, टोटल 4 है, तो 1 बॉयज 3 गर्ल्स प्लस ऑल 4 गर्ल्स, ठीक है, तो क्या होगा, 4C1 × 6C3 प्लस 6C, ये तो सिलेक्शन हुआ। अब देखो स्टूडेंट इसमें क्या गलती कर देते हैं, एक बार समझना, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 6C3 की वैल्यू 20, 6C3 की वैल्यू 6, 5, 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो 20 × 4 = 80 आ गया, और 80 को 64 की वैल्यू क्या होगी, 15, तो इसके अकॉर्डिंग सोल्व करने पे आंसर आ गया 95, और ये ऑप्शन आपको एग्जाम में गिवन भी था, बट ये तो ओनली क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, ये तो ओनली क्या सिलेक्शन का मतलब आपको 6 गर्ल्स और 4 बॉयज में से 4 मेंबर्स की कमिटी को फॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ एटमोस्ट 1 बॉयज, तो उसके 2 ऑप्शन होंगे, 1 बॉय 3 गर्ल्स प्लस 4 गर्ल्स। बट एक बात बताएं, सिलेक्शन होने के बाद, जैसे लेट ये सिलेक्शन आपने किया, 6 में से कोई भी 4 गर्ल्स को सिलेक्ट किया, अब सिलेक्टेड 4 गर्ल्स में से एक को अपन को क्या बनाना, कैप्टन, तो उसके कितने ऑप्शन होंगे, 4C1, तो इसके मल्टीप्लाई में 4C1 होगा, सिमिलरली इसके मल्टीप्लाई में भी क्या होगा, 4C1, या फिर उसको आगे लिख सकते हो सीधा 4C1, तो बेटा इसको 4 से मल्टीप्लाई और करना है, तो देन 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखें इस बात का। चलें उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ अभी पैसेज गिवन है, इसको देखते हैं क्या करना है। इस पैसेज में बोला गया है, ए फुटबॉल टीम T1 और T2 हैव टू प्ले टू गेम्स अगेनेस्ट ईच अदर, T1 T2 टू टीम्स हैं, वो एक दूसरे के अगेनेस्ट क्या करती हैं, कुछ गेम्स खेलती हैं, इट इज कंज्यूम दैट द आउटकम्स ऑफ द टू गेम्स आर इंडिपेंडेंट, टू गेम्स के जो आउटकम्स है उनका इंडिपेंडेंट है, उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, द प्रायोरिटी ऑफ T1 विनिंग ड्रॉइंग एंड लॉसिंग ऑफ एनी गेम इज 1/2, 1/6, 1/3 रेस्पेक्टिवली, T1 के द्वारा T2 के अगेंस्ट में किसी भी गेम को विन लॉस सॉरी ड्रॉ और लॉस की जो प्रायोरिटी गिवन है वो आपको दिस पार्ट गिवन है, ईच टीम गेट 3 पॉइंट्स फॉर ए विन, कोई भी टीम अगर गेम को विन करती है जीतती है तो उसको 3 पॉइंट मिलते हैं, अगर मैच ड्रॉ होगा तो उसको 1 पॉइंट है, और अगर लॉस हो गया वो हार गया तो उसको 0 पॉइंट मिलेंगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा उसको। चलो लेट एक्स एंड वाई डिनोट द टोटल पॉइंट स्कोर्ड बाय टीम T1 और T2, एक्स का मीनिंग क्या है कि T1 ने कितने पॉइंट स्कोर की वो है, वाई का मीनिंग T2 ने कितने पॉइंट स्कोर की वो गिवन है आपको, ठीक है, आफ्टर टू गेम्स, उन्होंने टोटल 2 गेम्स एक दूसरे के साथ प्ले किए, ठीक है। चले अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 1/1 फर्स्ट पार्ट में पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब एक्स के द्वारा जो टोटल स्कोर पॉइंट हैं वो ज्यादा हैं वाई से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो एक कब पॉसिबिलिटी हो सकती है, सीधा मैथमेटिकली सिंपल सा पार्ट है, पी एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई होने का मीनिंग क्या होगा, सिंपल सी बात यह है टोटल 2 गेम्स खेलेंगे वो, तो एक्स के पॉइंट वाई से ग्रेटर होने चाहिए, तो क्या हो सकते हैं, या तो जो एक्स है वो दोनों गेम को क्या करे, विन कर जाए, फर्स्ट गेम भी T1 ने विन किया हो, सेकेंड गेम भी आपका T1 ने आपका फर्स्ट गेम भी आपका विन किया हो, जीत गया हो, और सेकेंड गेम भी क्या हो, जीत गया हो, या फिर भैया तो 6 पॉइंट मिल सकते हैं उसको एक्स को, या तो एक्स की वैल्यू 6 हो सकती है तो वाई 0 आ गया, दोनों गेम जीत जाए, या फिर एक्स ने एक गेम जीता और दूसरा गेम क्या हो गया, लॉस, क्योंकि अगर सॉरी ड्रॉ DRAW, क्योंकि बाई चांस अगर आपने एक गेम को विन करा दिया दूसरे को लॉस, तो फिर वाई को भी 3 पॉइंट होंगे ना, फिर तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है,
तो एक्स ने 3 पॉइंट जीते और एक्स ने एक गेम क्या किया, ड्रॉ, मतलब दोनों में एक गेम ड्रॉ हो गया बाई चांस। तो देखो क्या करना है, सीधा एक मैथमेटिकली आंसर है, जो एक्स का मीनिंग जो T1 टीम है वो बहुत मैच आपके विन करे, तो फर्स्ट मैच की विन करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू सेकेंड के भी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 प्लस एक्स और वाई में से, सॉरी जो टीम T1 T2 है, तो जो T1 टीम है वो एक मैच तो आपका जीते, लेकिन कौन सा एक मैच दोगे ना फर्स्ट सेकेंड, तो 2C1 इंटू दो में से पहले एक मैच सेलेक्ट करो फर्स्ट या सेकेंड, और सिलेक्टेड मैच के T1 के द्वारा जीतने की प्रॉबिलिटी क्या होगी, 1/2 इंटू रिमेनिंग जो सेकेंड मैच होगा जो भी है उसके, उसको क्या करना लॉस कि दोनों में से कोई ना, सॉरी उसको क्या करना ड्रॉ, तो उसकी प्रॉबिलिटी क्या है, 1/6 ये लिखोगे इसमें, ठीक है। तो क्या आ गया, 1/6, देन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 1/4 प्लस 1/6, तो देन इसका 24 एलसीएम लोगे तो 5 4 + 1 = 5, तो देन इसका क्या आंसर होगा बोलो, 5/12 आंसर होगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया अपन से, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है हाँ कि x इक्वल टू अगर y हो, क्या बोलो, x इक्वल टू अगर y गिवन है आपको तो देन बताएं x इक्वल टू y है तो उस केस में प्रॉबिलिटी क्या होगी, तो x इक्वल टू y का मीनिंग क्या होगा कि जो टीम T1 है T2 है दोनों के सेम पॉइंट होने चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है कि दोनों टीम क्या हो, एक मैच T1 जीते, T1 इंटरसेक्शन विन मैच एंड T2 इंटरसेक्शन विन मैच, एक मैच T1 जीते दूसरा मैच T2 जीते, तो दोनों के तीन तीन पॉइंट हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है एक को जिता दिया और एक को हरा दिया, कि T1 एक मैच जीत गया T2 दूसरा मैच जीत गया, वो तो वे ये केस हो चुका है, या फिर अगला ऑप्शन हो गया कि दोनों मैच आपके ड्रॉ हो, अगर दोनों मैच ड्रॉ होंगे तो दोनों को आपको, दोनों मैच अगर ड्रॉ होते हैं तो दोनों को एक एक और एक एक टू टू पॉइंट मिल सकते हैं, इक्वल आने के दो ही ऑप्शन है, या तो दोनों को थ्री थ्री पॉइंट मिले या दोनों मैच आपके ड्रॉ हो, तो देन क्या लिखोगे, बॉथ मैच आर ड्रॉ, बॉथ मैचेज आर ड्रॉन, तो क्या लिखना है, T1 विन 1/2, T1 एक मैच जीतना चाहिए 1/2 प्रॉपर्टी, तो T2 वॉन, तो T2 कब विन होगा, जब T1 उस मैच को हारता है, तो T1 के किसी मैच को अगर विन करने की प्रॉबिलिटी 1/2 है तो उसके हारने की प्रॉबिलिटी क्या होगी, उसके अगेंस्ट में 1/2 होगी, 1 - 1/2, ठीक है। लेकिन इसमें एक काम करोगे, इंटू 2C1, ये 2C1 का मीनिंग है, T1 को एक गेम जीतना है उसकी प्रॉबिलिटी 1/2, T1 को सेकेंड मैच हारना है उसकी प्रॉबिलिटी 1/2, बट T1 पहला मैच जीते दूसरा हारे, या T1 पहला मैच हारे दूसरा जीते, इसका मतलब दो केस हो सकते हैं, तो इंटू 2C1 कर दिया मैंने, प्लस बहुत मैच आर ड्रॉ, तो दोनों मैच के ड्रॉ होने की प्रॉबिलिटी क्या होगी, 1/6 इंटू 1/1 भी ड्रॉ हो सेकेंड भी ड्रॉ हो, तो क्या आ गया, 2 से 2 चला गया, तो आ गया 1/2 प्लस 1/36, क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/36, कि पहला भी मैच ड्रॉ हो इंटू सेकेंड भी मैच आपका क्या हो बोलो, ड्रॉ होना चाहिए, तो देन इस केस में जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो क्या करें, 36 इसका एलसीएम होगा, तो आ गया 1 + 12, तो इसका आंसर होगा 13/36, लिखो 13/30, तो इस तरीके से क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना, ठीक है, एक सिंपल सा पैसेज था ये जब भी एग्जाम आया था, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिंपल सा क्वेश्चन, लेट एस आपको गिवन है 129, एक सेट एस में टोटल एलिमेंट है 129, 4K 1 2 3 4 5 up to so on, एन के डिनोट दी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस, एन के का मीनिंग है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ है, एस के जो नंबर ऑफ सबसेट है उनको एन के नेम दिया गया, ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ऑर्डर, एन के का मीनिंग क्या है कि एन के में आपको 5 एलिमेंट का सबसेट बनाना है, वट के इज ऑड नंबर, उन 5 एलिमेंट्स में से के नंबर आपके या के एलिमेंट्स क्या होंगे बोलो, एग्जैक्टली के एलिमेंट्स आर ऑड,
देन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर प्लस एन फाइव। तो एक काम करें, सीधे ऐसे समझो, जो सैंपल स्पेस एस है उसमें टोटल जो एलिमेंट है उनमें से दो वेराइटी हैं, ऑड नंबर कौन है, वन थ्री फाइव सेवन और नाइन, और इवन नंबर कौन है, टू फोर सिक्स और एट। एन वन का मीनिंग क्या है, एन वन का मीनिंग है कि इस सेट एन वन में टोटल फाइव एलिमेंट का क्या करना, सिलेक्शन, और उन फाइव एलिमेंट में से एग्जैक्टली वन इज ऑड, एक नंबर ऑड होना चाहिए। तो क्या करोगे, ऑड नंबर फाइव है तो पहले फाइव में से एक ऑड का सिलेक्शन करो इनटू रिमेनिंग फोर इवन में से फोर इवन का सिलेक्शन, क्योंकि इवन नंबर फिर फोर लोगे। ये तो बात हुई अपने एन वन की। सिमिलरली एन टू का मीनिंग क्या होगा कि एन टू में जो टोटल फाइव एलिमेंट है उनमें से एग्जैक्टली टू आर ऑड, तो पहले फाइव में से टू ऑड नंबर का सिलेक्शन करो, फाइव सी टू, इंटू फोर में से थ्री क्या करोगे, इवन का सिलेक्शन। सिमिलरली एन थ्री का मीनिंग क्या लिखोगे, अब तो सिंपल क्वेश्चन इसके बाद, एन थ्री का मीनिंग एग्जैक्टली थ्री नंबर आर ऑड, तो फाइव में से थ्री ऑड का सिलेक्शन, फाइव सी थ्री, और फोर में से टू इवन का सिलेक्शन, फोर सी टू। नेक्स्ट इज एन फोर का मीनिंग एग्जैक्टली फोर आर, तो फाइव सी फोर इंटू वन इज इवन, और लास्ट थिंग इज ऑल फोर फाइव आर ऑड, तो फाइव सी फाइव आ गया सीधा। ठीक है, सबको ऐड करो तो देन इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर क्या जाएगा, 126। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, चले उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया अपन से, ये भी ठीक क्वेश्चन था। थ्री रेंडम सेलेक्टिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, आपको रेंडमली थ्री नॉन नेगेटिव का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एक्स वाई जेड का क्या करना है, सिलेक्शन इंटीजर। वी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट देन प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज एन इवन नंबर। तो ये आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टेन जो इक्वेशन है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि जो आपने इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए उनमें से जो जेड है वो इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताओ आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखोगे सैंपल स्पेस, तो क्वेश्चन का जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, इसमें सैंपल स्पेस का मीनिंग लिखना है इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है क्या, एन प्लस आर माइनस वन सी, ये पता होना चाहिए सबको, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो क्या करोगे, एन को टेन लें, आर को थ्री पुट करें, ये आ गया थ्री माइनस वन इज टू, तो दिस इज इलेवन सी टू, इलेवन सी टू की वैल्यू क्या होगी, 55, इलेवन इंटू टेन इन वाई टू, तो ये तो आ गया 50। फिर बात आती है फेवरेबल केस की, क्वेश्चन में फेवरेबल केस का मीनिंग क्या है कि जेड इज ए इवन नंबर। तो देखो जेड को अगर इवन नंबर लेना है तो जेड को अपन क्या क्या ले सकते हैं, देखो आप एक बार जेड को जीरो ले सकते हो, अगर जेड को जीरो लोगे तो क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन, तो एक्स प्लस वाई के टेन आने के कितने तरीके, अब सीधा ओरली देख सकते हो, जीरो के साथ टेन एक ऑप्शन, वन के साथ नाइन, टू के साथ एट, और टेन के साथ वन, टोटल इलेवन आंसर होंगे इसके, लो इलेवन वे से इसको लेट कर सकते हैं। अगला, अगर जेड को आप टू लोगे तो देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एट होगा, तो इसके नाइन ऑप्शन होंगे। ऐसे ही अगर आपने जेड को थ्री कंसीडर किया, क्या लिया बोलो, जेड को थ्री, जेड अगर आपका थ्री है तो देन एक्स प्लस वाई आपका क्या, सॉरी ये फोर होगा, तो दिस इज सिक्स, तो इसके रिगार्डिंग टोटल सेवन सॉल्यूशन। जेड को अगर आप सिक्स लोगे तो इधर फोर आ गया, तो इसके रिगार्डिंग फाइव सॉल्यूशन होंगे। जेड को एट लोगे तो इसके रिगार्डिंग इसके थ्री सॉल्यूशन होंगे, और जेड को टेन लोगे तो फिर एक ही ऑप्शन होगा दोनों को जीरो जीरो लेने का। ठीक है, तो ये कितने सॉल्यूशन होंगे टोटल, देखो इलेवन और नाइन ट्वेंटी, ट्वेंटी बारह थर्टी टू, थर्टी टू और फोर थर्टी टू, दोबारा काउंट करो, सात पाँच बारह
15, 16, 25, 25, 11, 36 तो आगे 36/55 बट 36/, तो इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा बोलो? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बट इसमें थोड़ा सा मेरे को एक डाउट लग रहा है कि अपन को जेड इज इवन नंबर है तो जेड को जीरो लेना है या नहीं, ये बताओ आप। क्या जेड को जीरो ले सकते हो क्या? तो एक बार इस पर फोकस करें कि हाँ, इवन नंबर बोला गया तो जेड को जीरो ले सकते हैं क्या, बस ये देखना, बाकी तो सारा कुछ सेम है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि एक्स वाई जेड आर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो नॉन नेगेटिव का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो देखो एक बार जल्दी से, देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। प्रोबेबिलिटी दी थ्री रेंडम चूज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर फाउंड टू सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट, देन प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज एन इवन नंबर। तो देखो क्या करना है क्वेश्चन में, तो इसमें सबसे पहले देखो, एक सेकंड, सॉरी, क्वेश्चन में सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है कि सिलेक्शन ऑफ थ्री नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को जितने वे से आप सेलेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, वो उसका क्या होगा, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में तो बेसिकली अपन को क्या लिखना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 के टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स का फॉर्मूला एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो क्या करोगे, इसमें एन आपका 10 है, आर 3 दिस इज 12 सी 2, और 12 सी 2 की वैल्यू क्या होगी, 12 11 वाई 2, तो देन वी विल गेट 66। तो ये आ गया टोटल 66, ये लो। आफ्टर दैट फेवरेबल केस का मीनिंग क्या है, जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी को करना फाइंड आउट। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, कि जो नंबर जेड आपने सेलेक्ट किया वो नंबर इवन होना चाहिए। तो क्या करना है, इसमें केस अराइज करो फुर्ती से। तो देखो क्या क्या केस हो सकते हैं, समझे, जैसे लेट आपने जेड को जीरो लिया कि जेड जीरो इवन नंबर है, तो क्या आ गया इससे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इसके रिगार्डिंग एक्स प्लस वाई को 10 लेने के कितने ऑप्शन, जीरो के साथ 10, 1 के साथ 9, 2 के साथ 8, डॉट 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 10 के साथ 0, तो टोटल 11 आंसर होंगे, एक ज्यादा। बाई चांस अगर आप जेड को 2 लेते हो तो देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 8, तो इसके टोटल आंसर क्या होंगे, 9। सिमिलरली अगर आप 4 लोगे तो 4 के रिगार्डिंग 6 बचेगा, तो उसके 7 आंसर। तो इसका क्या आ गया फेवरेबल केस, 11 प्लस 9 7 5 3 प्लस 1 सॉरी 3 प्लस 1 1 क्यों, जब आप जेड को 10 लोगे तो उसके बाद एक ही ऑप्शन है 0 0 लेने का, जेड आपका विन होना चाहिए। तो ये टोटल कितने भी होंगे बोलो, 11 20 32 36, ये लो। तो दिस अपॉन दिस करने पे क्या आंसर जाएगा, 6 y 11, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलें उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, क्वेश्चन 7 में आपसे बोला गया, लेट एक्स एंड वाई आर टू इवेंट सच दैट एक्स और वाई टू इवेंट्स हैं, पी एक्स आपको 1/3 गिवन है, पी एक्स अपॉन वाई 1/2 गिवन है, पी वाई अपॉन एक्स आपको 2/5 गिवन है, देन आपको 1/1 ऑप्शन को वेरीफाई करना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। देखो पी एक्स अपॉन वाई का मीनिंग क्या लिखोगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी ऑफ वाई, दिस पार्ट आपको गिवन है बच्चों 1/2, तो पी ऑफ दिस पार्ट आने के बाद अब एक काम करते हैं, पी वाई अपॉन एक्स का मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटरसेक्शन एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स, ये आपको गिवन है 2/5, ये लो। दिस पार्ट लिखने के बाद एक काम करें, पी एक्स आपको गिवन है 1/3,
तो पी एक्स की वैल्यू को जब आप इसमें 1/3 पुट करोगे तो देन वी विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई तो ये आ गया 2/15। और पी एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू को जब आप इस जगह पुट करोगे तो देन वी विल गेट पी ऑफ वाई इक्वल टू कितना होगा, देखो इसका मतलब पी ऑफ वाई आ गया ट्वाइस ऑफ दिस पार्ट, तो 4/15। ये लो पी एक्स आ गया, पी वाई आ गया, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई आ गया, पी वाई 4/15। ये लो एक तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, एक्स यूनियन वाई, तो क्या करोगे, यूनियन का मतलब पी एक्स प्लस पी वाई माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, तो पी एक्स इज 1/3, पी वाई 4/15 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 2/15। तो जैसे ही आप 15 एलसीएम लोगे तो देन वी विल गेट अगेन 15 के लिए 3, 5, ये 4, ये माइनस 3, तो देन 5, 4, 9, 6/15, तो 3 से डिवाइड करने पे वी विल गेट 2/5, क्या होगा बोलो 2/5। तो एक इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दिस पार्ट आने के बाद उसके बाद आपको इसके नेक्स्ट ऑप्शन की बात करनी है, एक बार इसको देख लेना केयरफुली, कुछ गलती नहीं हो जाए जल्दीबाजी में। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पी एक्स डैश अपॉन वाई, पी एक्स डैश अपॉन वाई के लिए क्या करोगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये तो वैसे ही गलत ऑप्शन होगा, पी एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी ऑफ वाई, तो देन एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई का मतलब जिसमें एक्स नहीं हो वाई हो, इसको आप सीधा वेन डायग्राम समझ सकते हो, ये लेट एक्स है, लेट वाई है, तो एक्स डैश वाई कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन जिसमें ओनली वाई हो बट एक्स प्रेजेंट ना हो, तो इसका मीनिंग पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, पी वाई, पी वाई इज 4/15 माइनस दोनों का कॉमन पार्ट इज 2/15 अपॉन पी वाई इज अगेन 4/15, तो कितना आ गया 4 - 2, 2/4 इज 1/2, तो इसका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट होगा, क्या होगा, इसका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट करना है। ये 1/3 था, ये 4/15 था, माइनस के दोनों का इंटरसेक्शन कितना था 2/15, 15 आपने एलसीएम लिया तो 3, 5, 15, 4, 15, 3, 9, -3, 6, 2 से आप 3 से डिवाइड करो तो 2/5, 3, 15, तो इसका 1, 2, 3 ऑप्शंस आपके क्या होंगे बोलो, करेक्ट होंगे। ठीक है, चलें उसके बाद अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक मिनट रुके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 इज 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है वर्ड्स ऑफ लेंथ 10 आर फॉर्म्ड, मतलब आपको 10 लेंथ का एक वर्ड फॉर्म करना है विद दी हेल्प ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये भी टोटल आपके 10 लेटर्स हैं, इन 10 लेटर की हेल्प से आपको 10 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है। लेट स्मॉल एक्स बी दी नंबर ऑफ सच वर्ड, एक्स का मीनिंग क्या है, इनमें से वो वर्ड्स वेयर नो लेटर्स आर रिपीटेड, लेटर्स आर रिपीटेड, तो क्या होगा एक्स का मीनिंग क्या होगा, इन 10 लेटर की हेल्प से 10 वर्ड का जो लेटर फॉर्म करना है वो कितने होंगे टोटल, इनको अरेंज कर दो तो फैक्टर 10 आंसर आ गया। तो आपके पास टोटल 10 लेटर्स हैं और 10 लेटर की आपको वर्ड फॉर्म करना है, नो रिपीटेशन, तो 10 लेटर की हेल्प से 10 लेटर का जो वर्ड्स होगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल 10। उसके बाद देखो वाई में क्या बोला गया, ये इसका मेन पार्ट है, वाई का मीनिंग आपको बोला गया है वाई विद द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर एग्जैक्टली वन लेटर रिपीटेड, एग्जैक्टली वन लेटर को आपको रिपीट करना है एंड नो अदर लेटर रिपीटेड, तो क्या करोगे लेटर 10 है, एक लेटर को करना रिपीटेड, तो पहले एक काम करो 10 में से एक लेटर को क्या करो सिलेक्ट, जिसको अपन को रिपीट करना है, तो क्या आ गया 10C1, 10 में से एक लेटर सिलेक्ट किया उसको रिपीट करना है तो 10C1, ये मतलब 10 में से एक लेटर सिलेक्ट किया जिसको रिपीट करना है उसको, मतलब दो बार लेना है मेरे को, तो लो जैसे मैंने ए को सिलेक्ट किया तो ए आ गया डबल बार, अब ए डबल बार आ गया तो अब आपको कितने लेटर और चाहिए 8 लेटर, बट रिमेनिंग कितने लेटर है 9, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे 9 में से 8 लेटर का करोगे सिलेक्शन, ये लो 8 लेटर और आ चुके हैं, तो 8, 9, 10, तो 10 लेटर की हेल्प से टोटल वर्ड्स इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2।
बस इसको आप पुट कर दें तो देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई अपॉन 9x। तो शायद इसका आंसर 5 आएगा, तो आप करके देख लेना, ठीक है। चलो तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका 5 आंसर फिल कर दें। उसके बाद नेक्स्ट देखो, 9th और 10th में एक पैसेज गिवन है आपको। तो देखो पैसेज क्या है, देयर आर 5 सीट्स या 5 स्टूडेंट्स S1 S2 S5 इन ए म्यूजिकल क्लास एंड फॉर देम देयर आर 5 सीट्स R1 R2 R3 R4 R5 अरेंज्ड इन ए रो। 5 सीट्स को एक रो में अरेंज किया गया। इनिशियली द सीट्स RI इज अलोकेटेड टू द रो इज स्टूडेंट SI। इसका मतलब RI जो रो, RI जो आपकी सीट है उसको SI स्टूडेंट के लिए लोकेट किया गया। मतलब R1 सीट पे S1 स्टूडेंट बैठता है, R2 पे S2 अप टू सो ऑन। बट ऑन द एग्जामिनेशन डे द 5 सीट्स आर रैंडमली अलॉटेड द 5 पर्संस। मतलब रैंडमली वो 5 सीट्स पे स्टूडेंट बैठ सकते हैं ऑन द एग्जामिनेशन डे के दिन। तो क्या बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द एग्जामिनेशन डे द स्टूडेंट S1 गेट्स द प्रीवियसली अलॉटेड सीट। एग्जाम के डे जो S1 स्टूडेंट है वो आपकी अलोकेटेड सीट R1 पे क्या होना चाहिए, गेट्स करना चाहिए, मतलब उसमें बैठना चाहिए। एंड नन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट गेट द सीट प्रीवियसली अलॉटेड टू हिम हर। मतलब S1 स्टूडेंट को तो R1 सीट पे लोकेट करना है या उसको बैठाना है, रिमेनिंग स्टूडेंट को उनकी अलोकेटेड सीट पे आपको सिट नहीं करना है। तो कितने वे से ये कार्यक्रम किया जा सकता है, इसकी प्रॉबर्टी अपन को क्या करनी है, फाइंड आउट। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका लिखते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। सैंपल स्पेस का मीनिंग लिखना है अपन को, अरेंजमेंट ऑफ दीज 5 स्टूडेंट इन 5 सीट्स। तो दिस इज फैक्टोरियल 5, 120, ये तो सिंपल पार्ट हो गया। आफ्टर दैट क्या बोला गया है कि जो टोटल 5 सीट्स हैं इनमें से, ये टोटल 5 सीट्स हैं 1 2 3 4, R1 को तो, S1 को तो R1 सीट पे लोकेट करना ये लोग कर दिया। अब इन 4 सीट्स पे आपको R2 R3 R4 R5 को बैठाना है, बट R2 को S2 सीट पे नहीं बैठाना है, S2 पर्सन को R2 सीट पे सिट नहीं करना है, R3 को S3 पे, S4 को R4 पे और S5 को R5 पे। इसका मीनिंग क्या है, इसको आप उससे समझे एनवलप और लेटर से। आप ऐसे समझ सकते हो कि लेट जो स्टूडेंट है उनको आपने नेम दिया लेटर, और जो सीट से उनको लेट किया एनवलप। तो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि 4 लेटर्स को आपको 4 एनवलप में पुट करना है, और ईच लेटर्स आर गो टू द रॉन्ग एनवलप। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, इसके फेवरेबल केस में इन 4 लेटर्स को 4 एनवलप में पुट करना है, बट ऑल लेटर्स आर गो टू रॉन्ग एनवलप। उसका सिंपल फॉर्मूला जो अपन ऑलरेडी पढ़ते हैं, फैक्टोरियल n ब्रैकेट में 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 1 बाय फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो n को जब 4 लोगे तो देन वी विल गेट 4 का फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 और माइनस के 1 बाय फैक्टोरियल 4। बस इसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो शायद ये वैल्यू कितनी आ गई, देखो 1 माइनस 1 हटाओ, 24 अपॉन 2 12 ये सॉरी प्लस माइनस माइनस के प्लस, ठीक है। और ये आ गया 24 अपॉन 6 इज 4 और दिस इज प्लस 1, तो ये 9 आ जाएगा आपका। कितना आ गया बोलो, 9। तो देन इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9 बाई 120, दिस इज 3 बाय 40। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक इसको लेटर और एनवलप डी अरेंजमेंट के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। चलो उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखें। इसके देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया बेटा, पढ़ो एक बार, वही सेम पैसेज है बट क्वेश्चन क्या है, 4i = 1 से 4 TI डिनोट्स द इवेंट दैट द स्टूडेंट TI डिनोट द इवेंट दैट द स्टूडेंट्स SI एंड SI+1 डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब
जैसे आई को वन पुट किया तो टी वन का मीनिंग क्या होगा, एस वन एंड एस टू आर नॉट सिट टू टूगेदर। टी वन का मीनिंग एस वन और एस टू स्टूडेंट को एक साथ सिट नहीं करना, उनके बिटवीन एक गैप तो होना ही चाहिए। ऐसे टी टू का मीनिंग एस टू एंड एस थ्री स्टूडेंट आर नॉट टूगेदर, नॉट कम टूगेदर। ऐसे ही टी थ्री का मीनिंग एस थ्री एंड एस फोर स्टूडेंट्स आर नॉट कम टूगेदर, और टी फोर का मीनिंग एस फाइव एंड एस फोर नॉट कम टूगेदर। ये इसका मीनिंग है टी वन टी टू टी थ्री टी फोर का। तो देन आपको क्या करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट टी वन इंटरसेक्शन टी टू इंटरसेक्शन टी थ्री इंटरसेक्शन टी फोर। इसका मीनिंग क्या होगा, एस वन एस टू के साथ नहीं बैठना चाहिए, एस टू एस थ्री के साथ, एस थ्री एस फोर के साथ और एस फोर एस फाइव के साथ। कोई भी स्टूडेंट अपने एडजेसेंट स्टूडेंट के साथ नहीं बैठाना, एस वन को एस टू के साथ भी सिट नहीं करना है, एस टू को एस थ्री के साथ सिट नहीं करना है, एस थ्री को एस फोर के साथ और एस फोर को एस फाइव के साथ सिट नहीं करना है। तो देखो कितने भी हो सकते हैं। तो सैंपल स्पेस तो अगेन सेम फैक्टोरियल 5/120 कि 5 पर्संस को या 5 स्टूडेंट को 5 सीट पे अरेंज करने के मेथड क्या होंगे, 120। ठीक है, अब इसके फेवरेबल केस में क्या करना है थोड़ा सा इसको समझें, एक गुड पार्ट है तो थोड़ा समझने की ट्राई करें। इसको अपन करते हैं स्टार्ट। देखो उस फेवरेबल केस को जो फाइंड आउट करने के मेथड है वो दो मेथड है। एक मेथड तो क्या कि आप इसको सिंपल केसेज अरेंज करके करोगे तो ज़्यादा बेटर है। दूसरा मेथड थोड़ा सा लेंथी बट कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, अभी तो क्या करो, ये लाइट इसकी आर वन रो है, ये आर टू सीट, ये आर थ्री, आर फोर और आर फाइव। देखो फटाफट अपन अरेंज करते हैं। जैसे लाइट फर्स्ट स्टूडेंट को आपने आर वन सीट पे बिठाया, तो जो अगला स्टूडेंट है टू नंबर वाला उसको आप इधर तो बैठा नहीं सकते, तो उसका ऑप्शन है टू, लेट मैंने इसको टू पे लेट किया। तो जो थ्री नंबर का पर्सन है उसको इधर फिल नहीं कर सकते अपन ना इधर, तो उसका ऑप्शन ए ही होगा थ्री। अब बच्चा कौन, इसको मान लेते एस वन एस टू और एस थ्री। तो बेटा जो एस फोर और एस फाइव है तो एस फोर इधर नहीं आ सकता क्योंकि एस थ्री एस फोर साथ होंगे, तो एस फोर को तो फिल करोगे इधर और एस फाइव को फिल करोगे इधर। मेरी बात को सुनो, एस वन को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स किया तो एस टू को मैंने थर्ड पे, एस टू को थर्ड पे प्लेस करोगे तो एस टू ना तो इसके लेफ्ट हो सकता ना राइट, तो एस थ्री को इधर फिल किया, तो S4 और S5 को फिल करने का एक ही ऑप्शन होगा कि S4 इधर तो S5 इधर। अगला केस क्या होगा, S1 अगर S2 को आपने इधर लिया और S3 को इधर, तो इसका एक ही ऑप्शन है, इसको तो रीशफल कर नहीं सकते अपन। अब अपन एक काम करते हैं, S2 को S4 पे फिक्स करते हैं। अगर S2 को आपने S4 पे फिक्स किया फोर पोजीशन पे, S3 इधर नहीं हो सकता ना इधर, तो फिर S3 को आप इधर फिल करोगे, और अगर S3 इधर आ गया तो S4 को उधर नहीं ले सकते, तो S4 को फिल करने का एक ही ऑप्शन हुआ है, तो रिमेनिंग S5 आपके इधर आ गया। एक केस ही देखो, ऑल ना तो S1 को S2 के साथ सेट करना है ना S2 को S3 के साथ अप टू सोन, तो इस अकॉर्डिंग दो आंसर और लिमिटेड केस बनेंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब अगेन S1 को इधर रखो, अब आपने S2 को आगे शिफ्ट किया क्योंकि इधर S4 के बाद S5 तो आ नहीं सकता ना। हाँ एक केस और कर सकते, सॉरी अगर इधर S1 S2 है तो आपने इसमें अगर S5 इधर लोगे, S3 तो फिक्स है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर ही नहीं सकते अपन, तो ये केस ले नहीं सकते अपन। ठीक है, तो केयरफुली करना इस क्वेश्चन को। अगला, अगर आपने S2 को इधर फिल किया तो S3 इधर नहीं आ सकता, तो आप S3 को इधर फिल कर सकते हो ये लोग, या फिर S3 को अपन इधर भी फिल कर सकते। तो एक काम करो, S3 को आपने थर्ड प्लेस पे फिल किया तो S4 के लिए ना तो ये ऑप्शन हो सकता ना ये ऑप्शन, इसका मतलब ये केस इंक्लूड नहीं करना है। अगेन S1, S2 सेम है, फिर आपने अगर S3 को इधर फिल किया S1, S2, S3, तो बेटा S4 आपका इधर होगा क्योंकि इधर S4 हो नहीं सकता, तो एक केस आपका दिस आ गया, तो 1, 2, 3। ठीक है, आपने S1 को फर्स्ट पे फिक्स रखा और S2 को 3, 4, 5 पे वेरी किया, तो उसके अकॉर्डिंग तीन आंसर मिले आपको। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन ने S1 को आगे शिफ्ट किया तो उसकी टेबल अलग से ड्रॉ करते हैं। देखो R1, R2, R3, R4 और R5। अगर आपने S1 को इधर लिया तो S2 इधर तो आ नहीं सकता ना, वो S2 को आप इधर फिक्स करें, S2 इधर आ गया तो S3 इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, तो S3 को एक ही ऑप्शन होगा इधर, फिर S4 इधर हो सकता है तो S5 इधर आ सकता है, या फिर S5 इधर तो S4 इधर, इसमें अपन इनको रीअरेंज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसके दो आंसर थे। ठीक है, अब अगेन क्या करते हैं,
एस वन एस टू को इधर किया, तो अब एक काम करो, एस टू को आप फिफ्थ पोजिशन पर बैठा है, एस वन एस टू, तो एस थ्री मेरा इधर हो सकता है, तो एस थ्री इधर है, तो इधर आपका एस फाइव होगा क्योंकि एस फोर ले नहीं सकता, इधर कौन होगा बोलो, एस फोर, मतलब एस वन एस टू, तो एस थ्री को इधर लेने पे एक ही केस होगा, अगेन एस वन एस टू, अब आपने एस थ्री को लेट इधर शिफ्ट किया, तो एस थ्री को इधर शिफ्ट करोगे तो इधर क्या करोगे, इधर एस फोर हो सकता है, इधर एस फाइव, या इधर एस फाइव तो इधर एस फोर हो सकता है, ये तीनों एडिटेड, तो इसके अकॉर्डिंग वन टू थ्री, सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव आंसर एट। अब देखो कुछ केस, टेंशन मतलब आगे रिशफल करो, अब आपने S1 को सेकंड पे फिल किया तो S2 को आपने दो बार वेरी किया, ठीक है, S1 को सेकंड पे फिक्स करने के बाद आप S2 को टू फोर पे और फाइव पे वेरी कर सकते हो। अब अपन S1 को थोड़ा आगे शिफ्ट करते हैं, इसको थोड़ा नेक्स्ट कलर चेंज करते हैं एक बार, ठीक है ना, जैसे लेट आपने क्या किया अगले केस में, इनको डिनोट कर देते हैं कि एक बार तो S1 आपका फर्स्ट है, इसमें S1 आपका सेकेंड प्लेस पे था, और अब अपन S1 को लेते हैं थर्ड प्लेस पे, अगर S1 आपका थर्ड प्लेस पे है, सॉरी S1, तो S2 को मैं एक तो इधर फिल कर सकता हूँ, तो देन इधर S3 हो नहीं सकता, तो S3 इधर हो सकता है, अगर S3 आपका इधर है तो इधर S4 नहीं हो सकता, तो इधर S5 होगा, इधर S4 होगा, ये लो, अगेन इधर S1 फिक्स रखें, इधर S2 फिक्स है, S3 को अगर आपने इधर फिक्स किया तो इधर S5 हो सकता है क्योंकि S4 बन नहीं सकता, तो S4 के लिए एक ही ऑप्शन होगा, ये लो, दो आंसर ये पॉसिबल हो सकते हैं। अगेन क्या करना है, देखो तो आपने क्या किया, S1 को इधर फिक्स किया, तो एक काम और करें, S1 को आपने 5 पे फिक्स किया तो S1 के साथ S2 को फर्स्ट पे भी तो ला सकते हैं ना, ये लो, S1 इधर, S2 इधर, तो S3 इधर हो नहीं सकता, S3 को इधर लोगे तो इधर कौन होगा, या तो S4 ही होगा इधर, और इधर कौन होगा, S5 ही लो, और नेक्स्ट केस इज इधर S1, इधर आपका S2 था, अगर S3 आपने इधर लिया तो इधर S4 आ नहीं सकता, तो S4 को इधर फिक्स करोगे और S5 को आप इधर फिक्स करोगे, तो इसके अकॉर्डिंग दो आंसर और मिले, तो कितने हुए, दो चार छः आठ नौ और तीन बारह। और अब एक लास्ट केस और है कि अपन S1 को आगे भी तो वेरी कर सकते हैं ना, अगर S1 को आपने नेक्स्ट प्लेस पे फिल किया तो क्या होगा, तो उसके केस दो और हैं, उनको बना देते हैं। तो देखो अगर S1 आपका फोर्थ प्लेस पे है, S1 अगर फोर्थ प्लेस पे, तो S2 इधर नहीं आ सकता ना इधर आ सकता, तो S2 को अगर आप इधर लोगे तो S3 इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, तो इधर कौन होगा, S3, S3 अगर इधर है तो मैं S4 को इधर मान सकता हूँ, तो S5 को इधर, या फिर S5 को इधर, तो S4 को इधर, ये लो, दो आंसर आपको ये मिले, ठीक है। क्या हुआ, आपने S1 को इधर फिक्स रखा तो S2 को आपने सेकंड प्लेस पे फिल किया, अब अगेन क्या करो, S1 को इधर फिक्स रखें और X2 को फर्स्ट प्लेस पे लेके आए, ये लो, S1 आपका फोर्थ प्लेस पे है और S2 आपका फर्स्ट प्लेस पे है, तो S3 को अपन इधर ला नहीं सकते, तो S3 को इधर फिल करोगे थर्ड प्लेस पे, तो अगर S3 आपका थर्ड प्लेस पे है, बात को सुनना केयरफुली, अगर S3 आपका बोलो थर्ड प्लेस पे है, तो S3 को थर्ड प्लेस पे लोगे तो S4 आपका इधर होगा, तो S5 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये करने के बाद नेक्स्ट क्या करना, हाँ इसमें अपन ने गलती कर दी, ये केस दिख गया मेरे को अचानक, इस केस को नहीं लेना है क्योंकि S4 के साथ S5 थोड़ी फिल करना है, ये केस हटा देना भाई, बस ये थोड़ा ध्यान रखें कि कोई भी कॉन्जिटिव होने नहीं चाहिए अपने, ठीक है, वो देख लेंगे अपन लास्ट में एक बार दोबारा, ठीक है। तो क्या किया, S1 S2, तो S1 S2 फिक्स, तो S3 इधर लोगे तो इधर S4 आ गया, इधर S5, और उसके बाद अगला केस क्या हो सकता है, देखें सभी, इधर S1 था, इधर आपका S2 था, अब अगर आपने क्या किया, एक बार S3 को इधर फिक्स किया तो S3 को इधर लोगे तो मैं इधर S4 और S5 को फिल नहीं कर सकता, तो ये केस कंसीडर नहीं करना है, समझे मेरी बात को। और उसके बाद अगला पार्ट कौन सा होगा, अब अपन ने अगर S1 को इधर मान लिया लास्ट प्लेस पे, तो मैं S2 को एक बार
इधर फिक्स कर सकता हूं और एस टू को इधर लोगे तो एस थ्री को आप इधर लोगे, तो इधर एस फाइव होगा तो इधर आपका एस फोर होगा, ठीक है। एक ये केस करेक्ट होगा और एक केस और होगा लास्ट कि यदि एस वन इधर है तो आपने अगर एस थ्री को इधर फिल किया, सॉरी एस टू को इधर फिक्स किया, तो अब एस थ्री इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, तो एस थ्री को इधर लोगे तो इधर होगा एस फाइव और इधर होगा बोलो एस फोर, ठीक है। ये तरीके से केस करोगे आप, तो ये भी ये तो लिखना ही नहीं, सॉरी एक आंसर ये आ गया। तो देखो इसके अकॉर्डिंग कितने आंसर्स पॉसिबल है, थोड़ा केयरफुली देखना, कुछ गड़बड़ी ना होनी चाहिए अपन से। ये देख लो कि कोई भी पॉजिटिव तो नहीं है इसमें पहले, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर मिले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब इसमें से देखो कौन कौन से आंसर जो हैं कि जिसमें दोनों, देखो एक ये आंसर नहीं लेना अपन को और एक ये आंसर नहीं लेना है, तो टोटल कितने आंसर मिले बोलो 14। ये थोड़ा ध्यान रखें इस बात को कि अपन ने एस वन एस टू पे तो ध्यान रखा, एस फोर को एस फाइव के साथ भी अरेंज नहीं करना है, तो प्रॉपर वे में करोगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और जो सेकेंड मेथड है इसका, तो 14/120 तो इसका आंसर आ गया 7/60 आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो अब देखो थोड़ा दूसरा मेथड, उसको समझने की ट्राई करें, वो उसको करना है इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी से। देखो उसमें भी थोड़ा लेंथी, क्योंकि उसमें भी केसेस तो बनाने ही पड़ेंगे, और ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको अपन ज़्यादा स्टूडेंट और चेयर्स के लिए सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेकेंड मेथड है वो भी लेंथी पार्ट है, उसको ऐसे नहीं कि वो थोड़ा सिंपल पार्ट होगा, नहीं, वो फॉर्मूला है बट वो फॉर्मूला भी अपने आप में थोड़ा लेंथी होगा। कैसे देखो समझो, तो इसको हटा देते हैं एक बार अपन। सेकेंड मेथड में क्या किया उन्होंने, आप लिख सकते हो एन टी वन यूनियन टी टू यूनियन टी थ्री यूनियन टी फोर। इसका मीनिंग क्या होगा, टी वन और टी टू और टी थ्री और टी फोर, मतलब एनी या एटलीस्ट वन ऑफ दी कम टूगेदर। टी वन का मतलब एस वन एस टू एक साथ हो सकते हैं, और एस टू एस थ्री एक साथ हो सकते हैं, एस थ्री एस फोर एक साथ हो सकते हैं, या फिर टी वन टी टू एक साथ हो सकते हैं। इसका मतलब एस वन एस टू एस थ्री एक साथ हो सकते हैं, बाकी दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, अप टू सोन। ये सारे केसेज इसके अंदर इनबिल्ट होंगे, इन केसेज को अपन को माइनस करना है। तो क्या करो आप, इसमें यूज करोगे सेट थ्योरी का फॉर्मूला, पहले सिंगल सिंगल का सम सिग्मा एन टी वन माइनस सिग्मा एन टी वन इंटरसेक्शन टी टू, शॉर्टकट में लिखा है फॉर्मूला, प्लस सिग्मा एन टी वन इंटरसेक्शन टी टू इंटरसेक्शन टी थ्री, और माइनस सिग्मा एन टी वन इंटरसेक्शन टी टू इंटरसेक्शन टी थ्री इंटरसेक्शन टी फोर। तो देखो मैं कुछ समझाने की ट्राई करता हूँ क्या करना है। पहले सिग्मा एन टी वन का मतलब क्या होगा कि टी वन टी टू एक साथ हों, बाकी सारे कैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, टी टू सिग्मा टी वन सिग्मा टी टू सिग्मा टी थ्री, मतलब सिग्मा लोगे तो एन टी वन एन टी टू एन टी थ्री एन टी फोर की वैल्यू लिखनी है। देखो इसमें क्या होगा, एन टी वन का मीनिंग अपन ऐसे समझ सकते हैं कि टी वन एक साथ हो, टी वन टी वन एक साथ का मतलब एस वन एस टू स्टूडेंट आपके एक साथ बैठे तो बाकी को आप फ्री छोड़ दें लो, तो कितने आंसर आएंगे इसके, फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 2, क्योंकि इनको रीसिफल कर सकते हैं। आपने अगर एन टी टू की बात की तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एस टू एस थ्री एक साथ हो तो इसको एक मान लो, बाकी को फ्री छोड़ दें, तो इसके रिगार्डिंग भी इसमें तो सेम ही आंसर होंगे आपके, ठीक है। तो ये केस तो आपको सिंपल लगेगा थोड़ा, ये भी क्या गया फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 2, तो इनको चार बार लिखोगे आप टी वन टी टू टी थ्री टी फोर के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी तो वैल्यू क्या होगी 4 × फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 2। लास्ट वाले भी सिंपल है कि एस वन के साथ एस टू हो, एस टू के साथ एस थ्री बैठा हो, इसका मतलब इसका एक दो केस होंगे, या तो ऐसे बैठा हो एस वन के साथ एस टू, एस टू के साथ एस थ्री के साथ एस फोर, या इनको रिवर्स ऑर्डर में रख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आपकी 2 होगी। फिर अगला केस थोड़ा सा लेंथी है, इनको थोड़ा समझे, करना खुद अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बट मेथड वो ज़्यादा सिंपल है उसमें, ठीक है वो केसेज हैं बट वो इससे सिंपल लगेगा आपको, देखना। एन टी वन इंटरसेक्शन टी टू का मीनिंग क्या लिखोगे आप, टी वन टी टू एक साथ बैठे, मतलब एस वन एस टू एस थ्री ये तीनों एक साथ बैठे, तो इन तीनों को एक मान लो, एस वन एस टू के साथ बैठे और एस टू एस थ्री के साथ बैठे, ये मत बोलना
एस वन एस टू के साथ बैठे और एस टू एस थ्री के साथ बैठे, इसका मीनिंग है। तो देन क्या करें, अपन एस फोर एस फाइव को फ्री छोड़ देते हैं। टी वन मतलब एस वन एस टू के साथ बैठे, एस टू एस थ्री के साथ बैठे, मतलब इन तीनों को एक साथ बैठाना अपन को। तो देन इसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे आप, तो इसमें देखो क्या करना अपन को, वन टू थ्री, तो फैक्टोरियल थ्री इन टू, थोड़ा केयरफुल सुनने, टी वन का मतलब एस वन एस टू एक साथ बैठे, टी टू का मतलब एस टू एस थ्री एक साथ बैठे, और यू इंटरसेक्शन लगाने का मतलब एस वन एस टू एक साथ बैठे और एस टू एस थ्री एक साथ बैठे। इसका मीनिंग ये होगा, आपने ऐसे बैठा दिया, एस वन एस टू के साथ है, एस टू एस थ्री के साथ है, या फिर एस वन एस टू के साथ है, एस टू एस थ्री के साथ है। बट अगर ऐसे रिशफल कर दिया आपने, तो इसमें क्या हुआ, एस टू एस थ्री के साथ तो है बट एस वन एस टू के साथ नहीं है, तो ये केस नहीं मानना है। मतलब इसको आप प्रैक्टिकली ऐसे समझोगे, आप या तो इस ऑर्डर में बैठाओगे आप, या इसको रिवर्स ऑर्डर में बैठाना, इन टू क्या फैक्टोरियल टू, ठीक है। टी वन टी टू के बाद ये काम टी टू टी थ्री के लिए करोगे, सॉरी ये टोटल छः बार होगा, क्योंकि दो दो के पेयर क्या होंगे, फोर सी टू सिक्स, तो सिक्स केस बनेंगे ये। टी वन के साथ टी टू लिया, फिर टी वन के साथ टी थ्री लो, टी वन के साथ टी फोर लो, तो मेरे अकॉर्डिंग ये उससे ज़्यादा केसेज हैं, तो बेटर ऑप्शन यही कि आप उससे करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलें, तो ये क्वेश्चन लिमिटेड सीट्स और लिमिटेड स्टूडेंट के लिए करना पॉसिबल होगा। ज़्यादा स्टूडेंट और सीट्स लोगे तो मेथड फर्स्ट लो या सेकंड लो, दोनों ही थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। चलें, उसके बाद अपन आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, द नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय फोर विद डिजिट्स फ्रॉम द सेट ऑफ वन टू फाइव, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। आपको क्या करना है, फाइव डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं विच आर डिविजिबल बाय फाइव। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर नंबर आपका फाइव से डिविजिबल है, फाइव डिजिट का नंबर है, नंबर आपका फाइव से डिविजिबल है, तो सिंपल सी बात यह है कि आपको यूनिट प्लेस पे तो फाइव फिल करना, फिल करके छोड़ दो। अब डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है, तो देखो अब नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय, सॉरी विच आर डिविजिबल बाय फोर, फोर से डिविजिबल है, तो फोर के लिए क्या करोगे, एक मिनट रुके, तो नंबर फोर से डिविजिबल कब होगा, तो उसके लिए लास्ट टू डिजिट आर डिविजिबल बाय फोर, तो आपको केसेज अराइज करने पड़ेंगे। तो देखो क्या कर सकते हैं आप, वन के साथ टू लो, वन के साथ थ्री नहीं ले सकते, फोर फाइव गलत, फिर टू के साथ वन रॉन्ग, टू के साथ टू, टू के साथ थ्री, टू के साथ फोर आ गया, टू के साथ फोर, उसके बाद फाइव नहीं ले सकते, फिर बारी आ गई थ्री की, थ्री वन गलत, थ्री के साथ टू ले सकते हैं, थ्री 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 फोर गलत, फोर के साथ वन नहीं, टू नहीं, थ्री फोर के साथ फोर, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड, फोर के साथ फाइव नहीं ले सकते, फाइव के साथ वन, फाइव के साथ टू ले सकते हैं, थ्री नहीं कुछ नहीं ले सकते। अब ये टोटल फाइव वेज हैं, वन टू ले सकते हो, तो इसको फिल करने के कितने ऑप्शन, फाइव, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड बोला गया है, तो वन टू फिक्स किया तो इसको फिल करने के भी फाइव ऑप्शन है, इसके भी फाइव और इसके भी फाइव, ऑल केसेज में वही सेम आंसर। तो इस 125 को आपको फाइव टाइम्स क्या करना है, ऐड करना है, तो 125 को जब पांच बार ऐड करो तो आंसर क्या आएगा, 125 इनटू 5 इज 625, तो इसका आंसर क्या होगा, 625। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिकली करें आप। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, लेट एक्स विद ही सेट विद एग्जैक्टली फाइव एलिमेंट्स एंड वाई विद ही सेट विद एग्जैक्टली सेवन एलिमेंट। सेट एक्स में फाइव एलिमेंट हैं, सेट वाई में सेवन एलिमेंट्स हैं, अल्फा इज द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। क्या बोला गया, देखो एक्स से वाई में टोटल वन वन फंक्शन, तो सेट एक्स में टोटल फाइव एलिमेंट है, एक्स वन एक्स टू एक्स फाइव, और इसमें टोटल अपने पास सेवन एलिमेंट है, वन टू थ्री सेवन। आपको इसकी वन वन मैपिंग करनी है, मतलब आपको अल्फा इज द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई में वन वन फंक्शन, इसका मीनिंग वन टू थ्री फाइव के लिए आपको सेपरेट मैपिंग लेके आनी। तो क्या लिखोगे, तो इसमें आ गया अल्फा इक्वल टू, सिंपल सी बात है, इधर एलिमेंट सेवन है,
लेकिन आपको फाइव एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि ईच एलिमेंट के लिए आपको सेपरेट इमेज लेनी है। तो सेपरेट इमेज के लिए क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेवन में से फाइव एलिमेंट का सिलेक्शन करें, और सिलेक्टेड फाइव एलिमेंट के लिए क्या करोगे, इन फाइव एलिमेंट के लिए फाइव मैपिंग है, तो करस्पॉन्डिंग मैपिंग के लिए क्या करोगे, वन को फिल करने के फाइव ऑप्शन, टू को फिल करने के फोर ऑप्शन, थ्री को फिल करने के टू ऑप्शन, फोर को फिल करने के टू ऑप्शन, और अगले के एक ही ऑप्शन होगा। या फिर सीधा कि फाइव एलिमेंट को आपको फाइव प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो सीधा लिख सकते हैं फैक्टोरियल। तो ये तो आ गया अल्फा। अल्फा के बाद बीटा का मीनिंग क्या होगा, बीटा इज दी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स, मतलब आपको वाई से एक्स में ऑन टू फंक्शन। तो या तो एक काम करें आप, जो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला है सिग्मा आर इक्वल टू वन से एन एन सी आर माइनस वन की पावर आर, उसको यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल ऑप्शन ये है, इसका मीनिंग ये है, आप इसको पीएनसी की हेल्प से समझ सकते हैं कि लेट आपसे ये बोला जाए कि अपने पास आर बॉक्सेज रखे हुए हैं और आपको एन डिस्टिंक्ट वॉल्स को उन आर डिफरेंट बॉक्सेज में पुट करना, नो बॉक्सेज एम्प्टी, एन डिफरेंट वॉल्स को आर डिफरेंट बॉक्सेज में आपको पुट करना है, नो बॉक्सेज एम्प्टी, उसी को तो फॉलो करेगा कि एलिमेंट आपके पास इधर सेवन है और ये फाइव बॉक्स रखे हुए हैं। ऑन टू का मीनिंग आपको ये जो एक्स के ऑल फाइव एलिमेंट है उनको रेंज में इंक्लूड करना है, इसका मतलब सेवन बॉल्स हैं, फाइव अपने पास बॉक्सेज हैं, तो इन सेवन बॉल्स को फाइव बॉक्सेज में पुट करो कि नो बॉक्सेज एम्प्टी। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला वो याद रखें कि पहले क्या करोगे टोटल वे, तो फर्स्ट वॉल को पुट करने के अपने पास कितने ऑप्शन होंगे, फाइव ऑप्शन, अगले के भी फाइव, अगले के फाइव, तो फाइव की पावर सेवन। फिर क्या करते हैं माइनस, उन सेवन में से एक बॉक्स खाली रखो, कौन सा, फाइव सी वन, रिमेनिंग बॉक्स में पुट करने के मेथड फोर की पावर सेवन। फिर प्लस क्या करते हैं, फाइव में से कोई भी दो बॉक्स खाली रहे, रिमेनिंग थ्री बॉक्सेज में सेवन वॉल को पुट करने के मेथड थ्री की पावर सेवन। माइनस इसमें यूज करना है इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी को, क्योंकि जब आपने एक बॉक्स को खाली रखा और रिमेनिंग बॉल्स को या बॉल्स को रिमेनिंग बॉक्सेज में पुट किया, तो उसमें वो केस भी इंक्लूड है कि जब आपके दो बॉक्स खाली रहे होंगे, वो केस आपका दो बार ऐड हो गया, तो आप उसको एक बार, दो बार सेपरेट हुआ तो इसको एक बार आपको ऐड करना है, फिर अगेन एक बार इंक्लूड करो, फिर एक्सक्लूड करो, फिर इंक्लूड करो, फिर एक्सक्लूड करो, तो फाइव सी थ्री टू की पावर सेवन। फिर लिखोगे फाइव में से फोर बॉक्स खाली रहे तो फिर वन की पावर सेवन। इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपको बीटा की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और देन अल्फा और बीटा क्वेश्चन पुट करो तो देन इसका आंसर फाइंड आउट हो जाए। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था जब भी एग्जाम में आया था। ठीक है, चलें। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, एक लिस्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 में क्या बोला गया है, इन ए हाई स्कूल ए कमिटी हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सिक्स बॉयज M1 से M6 एंड फाइव गर्ल्स। अपने पास बॉयज कितने हैं, सिक्स, और गर्ल्स कितनी है बच्चों, फाइव। अब आगे क्या बोला गया है, अल्फा वन का मीनिंग क्या है, टोटल नंबर ऑफ वे इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट कमिटी हैज फाइव मेंबर्स। आपको फाइव मेंबर्स की कमिटी फॉर्म करनी है, हैविंग एग्जैक्टली थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स। तो क्या करोगे, अल्फा का मीनिंग एग्जैक्टली थ्री बॉयज, सिक्स बॉय में थे थ्री बॉय का सिलेक्शन करो, सिक्स सी थ्री इंटू फाइव में से टू गर्ल्स का सिलेक्शन। तो कितना आंसर आ गया, सिक्स सी थ्री की वैल्यू 20 होगी, फाइव सी टू की वैल्यू 10, तो ये तो आ गया 200। इसका मतलब पी का आंसर 4 होगा। अब देखो आप साथ के साथ ऑप्शन देखोगे तो पी 4 के लिए तीन ऑप्शन हैं, इसका मतलब थोड़ा आगे और जाना पड़ेगा। हाँ, अब क्यू की बात करते हैं, तो पी के लिए तो क्या आ गया, 4 आंसर। ठीक है, अल्फा 2 का मीनिंग क्या बोला गया क्वेश्चन में, अल्फा 2 भी टोटल नंबर ऑफ वे इन विच दी कमेटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट दी कमिटी हैज एटलीस्ट टू मेंबर्स एंड हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब आपको सिक्स बॉयज और फाइव गर्ल्स की हेल्प से एक कमिटी फॉर्म करनी है, और एटलीस्ट टू मेंबर्स, उस कमिटी में एटलीस्ट दो मेंबर लेने हैं, इन विच इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बस जो कमिटी बनाओगे आप एटलीस्ट टू मेंबर की हेल्प से, उसमें इक्वल बॉयज इक्वल गर्ल्स हो सकती है। तो क्या केस हो सकते हैं,
या तो ओनली टू मेंबर्स लो, तो टू मेंबर्स लोगे तो एक गर्ल्स एक बॉय, तो क्या लिखोगे 6C1 5C1, ये लो 6C1 × 5C1 प्लस तीन मेंबर ले नहीं सकते क्योंकि थ्री मेंबर लोगे तो उनको इक्वल पार्ट में कैसे ले सकते, तो फिर आप फोर मेंबर ले सकते हो, तो फोर मेंबर में क्या करोगे 6C2 × 5C2 प्लस 6 के बाद 4 के बाद आप 6 मेंबर ले सकते हो, तो 6 में क्या करोगे दोनों को 3-3 की इक्वल फॉर्म में ले आप, तो 6C3 × 5C3। और एक केस और होगा शायद, अगर आप 8 मेंबर लेते हो तो 6 में से 4 इधर लोगे और 5 में से 4 इधर लोगे। हाँ लास्ट और आ गया, अगर आप 10 मेंबर लेते हो तो दोनों में से लो 5-5, 6C5 × 5C5 ये लो। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा और ये सॉल्व करने पे बेटा 461 आता है, ठीक है, ये ठीक पार्ट है, सिंपल सा कर सकते हैं। इक्वल पार्ट में लेने होंगे आपको, उस केस में आप या तो मेंबर 2 लोगे या 4 या 6 या 8 या 10, ठीक है। चलो अल्फा 1 अल्फा 2 की बात बारी आती है अल्फा 3 की। अल्फा 3 में क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ वे इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमेटी हैज क्या 5 मेंबर्स, मतलब इस बार आपको कमिटी में टोटल 5 मेंबर लेने हैं, एटलीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल्स, एटलीस्ट 2 गर्लों, तो या तो ऐसे केस बनाओ 2 गर्ल्स 3 बॉयज, 3 गर्ल्स 2 बॉयज, 4 गर्ल्स 1 बॉयज या 5 की 5 गर्ल्स, तो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर है। या फिर उल्टा कर सकते हो, टोटल केस माइनस जब सारे बॉयज हो एक गर्ल्स हो, तो वो 2 केस माइनस कर दो तो वो भी सेम प्रोसीजर होगा आपका, ठीक है। चलो तो उसको लिखते हैं एक बार अपन, क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन तो क्या अल्फा 3 का सीधा, आपको 5 मेंबर की कमिटी फॉर्म करनी है, एटलीस्ट 2 ऑफ बीइंग गर्ल्स, तो मिनिमम 2 गर्ल्स 3 बॉयज या 3 गर्ल्स 2 बॉयज, 4 गर्ल्स 1 बॉयज और 5 गर्ल्स, क्योंकि मैक्सिमम 5 गर्ल्स ले सकता हूं, तो 5C2 6C3 + 5C3 6C2 5C4 6C1 + 5C5। या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है, टोटल में से आप 5 मेंबर लो 11C5 माइनस, इस 11C5 में 3 केस ऐसे हैं जिनको माइनस करना है, आपको एटलीस्ट 2 गर्ल्स लेनी है, तो इसमें क्या हो सकता है एक भी गर्ल्स ना हो या एक गर्ल्स हो, तो ये 2 केस आप माइनस करो, तो माइनस सारे के सारे बॉयज हो 65 माइनस 6 में से 4 बॉयज हो और एक गर्ल्स हो, बस इन 2 केसेज को माइनस करो तो आपको अल्फा 3 फाइंड आउट हो जाएगा, तो आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये खुद करना अपने अकॉर्डिंग तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद इसका आंसर जितना मेरे को आइडिया है 381 आने वाला, ठीक है ना, 81। और लास्ट थिंग इज, लेट अल्फा 4 बी द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमेटी हैज 4 मेंबर्स। अल्फा 4 का मीनिंग क्या है कि आपको कमेटी फॉर्म करनी है 4 मेंबर्स की, हैविंग एटलीस्ट 2 गर्ल्स सच दैट वॉयज एम्बन एंड जीवन आर नॉट इन द कमेटी टुगेदर। सिंपल, इसमें केसेज अराइज करोगे वंस अगेन, आपको 4 मेंबर्स की कमेटी फॉर्म करनी है, उसमें एटलीस्ट 2 गर्ल्स लेनी है, बट एम1 और जीवन गर्ल्स को, एम1 बॉय और जीवन गर्ल्स को एक साथ, नॉट इन कमेटी टूगेदर, एक साथ नहीं लेना था। देखो ये M1 है ये G1 है, उसको थोड़ा अलग करते हैं फिर थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। तो देखो क्या आंसर लिखोगे अल्फा 4 में, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या करो, आपको 2 गर्ल्स लेनी है तो आप एक काम करें, पहले इस M1 और G1 को हटाओ कि इनमें से किसी को मतलब आप बाकी में से फॉर्म करो, तो क्या करोगे आप 2 गर्ल्स ले सकते हो तो 2 बॉयज लोगे प्लस 3 गर्ल्स 1 बॉयज प्लस और 4 गर्ल्स, 2 गर्ल्स लेनी कितने में से 4 में से, क्योंकि जीवन की तो बात ही मत करो ना, तो क्या आ गया 4C2 ये आ जाएगा 5C2, एक एक कम करें 4C3 5C1 + 4C4, एक केस तो ये होगा। उसके बाद इसके इसका सेकेंड केस क्या होगा, M1 जीवन को एक साथ नहीं लेना, तब एक काम करें आप इस बार जीवन गर्ल का सिलेक्शन करें कि जीवन गर्ल्स तो लेनी लेनी है, तो ये लो जीवन गर्ल्स को तो आप ले लो, तो लेने का एक ही तरीका है। अब जब जीवन गर्ल्स लोगे तो रिमेनिंग 3% लेने हैं, अब एटलीस्ट 2 गर्ल्स हैं तो क्या कर सकते हैं, एक गर्ल्स आपने ली तो आप एक गर्ल्स 2 बॉयज प्लस
दो गर्ल्स वन वॉयज या थ्री गर्ल्स ले सकते हैं, तो क्या लिखोगे? जीवन आने के बाद एक गर्ल्स लेने का तरीका 4C1, इधर 5C2, 4C2, 5C1 और 4C3, ये लिखना है। अगला वही सेम प्रोसीजर, अगर आपने एक वॉय को लिया कि नहीं, एक वॉय तो ले लेते हैं, आपने M1 को फिक्स कर दिया, जीवन M1 को एक साथ नहीं लेना, तो पहले मैंने जीवन को लिया, एटलीस्ट टू गर्ल्स लेनी थी, तो एक गर्ल्स तो ऑलरेडी आ चुकी, तो एक गर्ल्स दो वॉय या दो गर्ल्स एक वॉय या तीन गर्ल्स ले सकते हैं। और अगर M1 को लेना ही लेना है तो रिमेनिंग तीन लोगे, बट उनमें दो गर्ल्स लेना जरूरी है इस बार, तो क्या लिखोगे? टू गर्ल्स वन वॉयज या फिर थ्री गर्ल्स जीरो वॉयज। बस इन सारे केसेस को जब ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 189, तो इसके अकॉर्डिंग इसका बेटा सी ऑप्शन करेक्ट। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट केयरफुली करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देर आर थ्री बैग्स B1, B2, B3 कंटेनिंग 5 रेड 5 ग्रीन, B2 में 3 रेड 5 ग्रीन और B3 में 5 रेड 3 ग्रीन, उल्टा दे दिया। और बैग B1, B2, B3 को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी वो गिवन है 3/10, 3/10, 4/10। ए बैग इज सेलेक्टेड एट रेंडम एंड इज बॉल ड्रॉन फ्रॉम इट, देन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। प्रॉबर्टी दैट दी चूज बॉल इज ग्रीन इक्वल टू, मतलब जो बॉल आपने सेलेक्ट की है वो कैसी होनी चाहिए? ग्रीन होनी चाहिए, तो इसकी प्रॉबर्टी बताओ। तो क्या करोगे? देखो सिंपल, इसको ऐसे समझे, पी ग्रीन की प्रॉबर्टी बतानी है, तो पी ग्रीन की प्रॉबर्टी बतानी है तो क्या मीनिंग होगा? आप B1 बैग का सिलेक्शन करो 3/10 इंटू उसमें से ग्रीन बॉल की प्रॉबर्टी क्या होगी? ये B1 बैग है, ये B2 बैग है और ये B3 बॉल, ग्रीन वाली बॉल बाद वाली ध्यान रखना, ग्रीन ग्रीन और, तो इस पर फोकस करें। तो क्या लिखोगे बोलो? तो 5/10 आ गए ये लो, प्लस आपने सेकेंड बैग का सिलेक्शन किया है उसमें से ग्रीन बॉल की प्रॉपर्टी क्या होगी? 5/8, सिंपल क्वेश्चन था ये। प्लस आपने अगर B3 बैग का सिलेक्शन किया तो उसमें से अगेन ग्रीन बॉल की प्रॉपर्टी 3/8, ये लो। इसमें एक काम करो, क्या कॉमन आ गया, सॉरी एलसीएम ले लो 10 × 10 × 8। जब आप ये एलसीएम लोगे तो देन वी विल गेट 10 10 आ गया, हटाओ 120 प्लस 10 80, तो 150 आ गए। एलसीएम ले 80 तो अगेन 10 तो 120, 120 240 150, 390 बाय दिस 10 से 10 चला गया, तो कितना आ गया? 390 बाय 80, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। ठीक है, एक ऑप्शन तो फर्स्ट आ गया। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है प्रॉपर्टी दैट द चूज वॉल इज ग्रीन गिवन दैट द सेलेक्टिंग बैग इज B3, कि चूज वॉल अगर आपकी कैसी हो? ग्रीन हो। सेलेक्टिंग प्रॉपर्टी दैट द चूज वॉल इज ग्रीन, जो बॉल आपने सेलेक्ट की वो ग्रीन है, तो गिवन दैट की सेलेक्टेड बॉल इज B3, तो क्या मतलब है? इसको करना है कंडीशन पर पी ग्रीन अपॉन B3, कि बॉल के ग्रीन हो की प्रॉपर्टी जब आपने B3 बैग का क्या किया हो सिलेक्शन, तो क्या जाएगा? पी जी इंटरसेक्शन B3 अपॉन PB3। तो क्या मीनिंग होगा? सिंपल क्वेश्चन नहीं बना ना, इसमें क्या लिखोगे? B3 बैग को सेट करने की प्रॉबर्टी 4/10 इंटू उसमें से ग्रीन बॉल की प्रॉपर्टी 3/8 अपॉन B3 बैग की प्रॉपर्टी 4/10, तो ये कैंसिल होकर क्या गया आंसर बोलो? 3/8, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों सेम है, प्रॉबर्टी दैट द सेलेक्टिंग बॉल इज B3 एंड द चूज बॉल इज ग्रीन, सेलेक्टिंग बॉल जो आपकी है वो B3 बैग से हो एंड चूज बॉल इज ग्रीन, ग्रीन बॉल भी होनी चाहिए और वो B3 बैग से भी क्या होनी चाहिए सेलेक्ट, तो उसकी प्रॉपर्टी बताओ। तो इसको करना बेस थ्योरम की हेल्प से, मतलब इसमें सैंपल स्पेस का तो मीनिंग क्या, ग्रीन बॉल का सिलेक्शन, और फेवरेबल केस का मीनिंग क्या कि सिलेक्टेड बॉल इज ग्रीन बट बैग इज B3, तो इसको सिंपल अपन इससे कर देते हैं। सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या होगा? ग्रीन बॉल का सिलेक्शन, दिस इज 39/80, और फेवरेबल केस का मीनिंग क्या है कि बॉल ग्रीन तो बट वो बैग B3 होनी चाहिए,
तो B3 बैग को सिलेक्ट करने की प्रॉबिलिटी 4/10 और उसमें से ग्रीन वॉल की प्रॉबिलिटी 3/8, तो इसको इससे डिवाइड करें आप, तो देन वी विल गेट कितना, 4 × 3 = 12/39। ये लो क्या गया, 12/39। क्या आंसर होगा बोलो, एक मिनट को ना, B3 में ग्रीन, हाँ तो B3 में ग्रीन 3 ही है ना, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो उसको, 3 से कैंसिल, तो 4 × 3 = 12, 13 × 3 = 43, तो इसका आंसर होगा 4/13। बट इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका ओनली फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। ठीक है, चलें उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ये एक मैट्रिक्स की हेल्प है थोड़ी सी, लेट एस बी दी सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 3×3 मैट्रिसेज विद एंट्रीज फ्रॉम सेट 01। मतलब 01 की हेल्प से आपको 3×3 की मैट्रिक्स को फॉर्म करना है। लेट दी इवेंट E1 एंड E2 बी दी गिवन, E1 और E2 आपको 2 इवेंट गिवन है। E1 इवेंट का मीनिंग क्या है, मतलब मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू एस, उनका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आना चाहिए। और E2 का मीनिंग है मैट्रिक्स ए लेनी है आपको, सम ऑफ द इंट्रीज ऑफ ए इज 7। जो मैट्रिक्स ए है उसकी इंट्रीज का सम क्या आना चाहिए बोलो, 7 आना चाहिए। तो देन आपको PE2/E1 बताना है। पहले इसको लिखते हैं, PE2/E1 का मतलब PE1 × E2/PE2। इसको सिंपल कंडीशन प्रॉबर्टी की हेल्प लेनी है। तो PE2 का मीनिंग क्या होगा, PE2 का मीनिंग है सम ऑफ इंटीज 7, कि इंटीज का सम 7 हो तो कितने वैसे मैट्रिक्स बना सकते हैं अपन। तो देखो आपको 3×3 की मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, उसमें टोटल 9 इंटीज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बेटा इस इंटीज का समेशन 7 चाहिए, इसका मतलब आपको 1 को तो फिल करना है 7 टाइम्स और 0 को फिल करना है 2 टाइम। तो 7, 1 और 00 को इन 9 पोजीशन पे रीसफल करने के ऑप्शन क्या होंगे, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2। ये लो, ये तो आ गया PE2, इसको सोल्व करने पे क्या जाएगा, 9, 8/2 तो 36। ये तो कितना आ गया बोलो, 36। E1 × E2 की प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होगा, इंटीज का सम 7 भी होना चाहिए और डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको 0 भी चाहिए। E1 × E2 का दोनों चीज एक साथ, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 एंड सम ऑफ इंटीज 7, मतलब आपको इसकी हेल्प लेनी है। तो इन डिजिट की हेल्प से आपको एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है जिसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, 0। तो देखो डिटरमिनेंट का सम 0 कब कब आ सकता है, एक रो या एक कॉलम में, दो रो या दो कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, बाकी कभी नहीं हो सकती 0, जो अपन को एलिमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या क्या करना है, देखो ये टोटल 7 एलिमेंट है, तो उसको आप ऐसे फिल करें, जैसे लेट आपने इधर 111 लिया, इधर 111, इधर 101, बस ये है। तो इसको लेने के कितने तरीके होंगे, देखो इधर 1 इधर 1, बट मैं इस 100 को कितने वे से रीसफल कर सकता हूं, फैक्टोरियल 3/2, मतलब 100 को फिल करने के 3 ऑप्शन है। तो देखो ऐसे लिखना आंसर, R1, R2, R3 में से दो रो में तो 111 111 फिल करना है, तो कौन सी दो रो, तो 3C2। 3 में से पहले दो रो का सिलेक्शन करो, सिलेक्टेड 2 रो में आपको 111 111 फिल करना है और रिमेनिंग जो रो होगी उसको फिल करने के 3 ऑप्शन है। तो ये आ गया आंसर, और यही काम आप करोगे कॉलम के अंदर, तो इसको कुछ नहीं करना, सेम आंसर होगा कॉलम में भी। तो 3C2 × 3, तो ये कितना आ गया, 3C2 की वैल्यू 3, 3 × 3 = 9, 9 × 9 = 18। तो क्या जाएगा बोलो, 18/36, दिस इज 1/2। तो इसका आंसर क्या फिल करना था बोलो, 0.5। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, कि लेट मोडेक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कैपिटल एक्स, लेट एस इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, वी ए सैंपल स्पेस वेयर ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू द अकर इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एसोसिएटेड विद एस। ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, चलो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट का मीनिंग इसमें यह है कि जैसे लेट आपने सेट एस से ए इवेंट का सिलेक्शन किया, जितनी भी एलिमेंट लेने वो आपने सेट लेट किए, तो बी जब आप अगेन लोगे तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, वो आप ये बोल सकते हो कि इसको रिप्लेसमेंट की, विद रिप्लेसमेंट की बात बोली गई इसमें, नॉट विदाउट रिप्लेसमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ
associated with S. Then the number of ordered pair A comma I, मतलब A और B को लेने के total कितने ordered pair हो सकते हैं, such that B का mod 1 से बड़ा है और mod A B से greater. इसका meaning क्या है कि सेट B में आपको at least one element का तो selection करना ही करना है, क्योंकि mod B का meaning क्या होगा, mod B denote the number of element in set B और mod A का meaning number of element of set A. तो mod B का meaning क्या है इसमें, तो mod B में at least आपको one element का तो selection करना ही करना है. और mod A का meaning क्या है कि mod A mod B से greatest का मतलब mod A में जो number of element है वो number of B से क्या होंगे greater. तो उसमें कैसे generalize करोगे आपको, कैसे लिखना है, सीधा mod B में आपने बस इसको यूज करें, सीधा mod B में आपने एक एलिमेंट का सिलेक्शन किया, लेकिन कौन सा, तो 6 में से एक एलिमेंट लो, ये लो, बात को सुनना केयरफुली. तो आपने mod B में मिनिमम आपको वन एलिमेंट लेना है तो एक एलिमेंट लो. तो फिर mod A में आप दो ले सकते हो, 3, 4, 5, 6. तो लिखोगे mod A को लेने के ऑप्शन 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 और 6C6, ये लो. फिर क्या करना है, प्लस अगर आपने मोड बी में टू एलिमेंट का सिलेक्शन किया है तो देन इसमें क्या लोगे, मिनिमम 3, 6 में से 4 ले सकते हैं, 6 में से 5 ले सकते हो और 6 में से 6 एलिमेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं. अगला, अगर इसमें आपने 3 एलिमेंट का सिलेक्शन किया है तो इसमें मिनिमम 4, 5 और क्या लिखोगे बोलो, 6C6. और लास्ट, सॉरी सेकेंड लास्ट इज, इसमें 4 लोगे तो इसमें 5 और 6 ले सकते हैं, 6C5 और 6C6. और लास्ट थिंग की, बाई चांस अगर आपने इसमें 5 का सिलेक्शन किया तो इसमें क्या लोगे, 6C6. बस अब इनको सॉल्व करना है आपको. तो देखो इसको सॉल्व करने का एक मेथड तो क्या, विद दी हेल्प ऑफ BT बाइनोमियल थ्योरम, 6C0, 6C1, 6C2 ऐड करो, मल्टी सबट्रैक्ट करो, या फिर सीधे एक काम करो ना, आप एक बार सबकी वैल्यू लिख के बाद में सब में वैल्यू तो पुट करनी है आपको, तो इसको कैलकुलेशन से करोगे तो जल्दी कर पाओगे आप. जैसे लेट इसकी वैल्यू तो 6 होगी, 6C2 की वैल्यू 15 होती है, एक बार लिखना 20, अगेन 15, ये 6 और ये 1. इन सारी वैल्यूज को पुट करके जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, इस टाइप से इसको कैलकुलेट करना आप, तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करें. चलो तो आपको इसका इंटीजर आंसर फिल करना है, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो इट इज ए गुड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था बहुत. 5 persons A, B, C, D, E are seated in a circular arrangement. ये 5 persons एक सर्किल पे अरेंज्ड है, ऑलरेडी सीटेड टू ए सर्कुलर टेबल, ये ऑलरेडी बैठे हुए हैं इस पे, ये लोग 5 persons आर सीटेड ए सर्कुलर टेबल, ये ऑलरेडी इस पे बैठे हुए हैं, इनको छेड़ना नहीं अपन को कि इनको अरेंज कर दो आप. सीटेड इन ए सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब सर्कुलर टेबल पे इनको ऑलरेडी सीटेड मतलब बैठाया गया है. ठीक है, चले. If each of them is given a hat of one of three colors red, hat का मतलब टोपी, मतलब इनको each person को एक कलर की टोपी दी जाती है red, blue, green में से, then the number of way of distributing the hats in टोपीज को कितने वे से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, such that the person seated in adjacent, जो person आपके adjacent बैठे हुए उनको सेम कलर की हेड्स नहीं दें, डिफरेंट कलर की हेड जानी चाहिए. तो देखो सीधा एस और एफ से करना है इसका. सैंपल स्पेस का मीनिंग तो क्या होगा, सॉरी इसमें प्रॉपर्टी की बात की है कि नो, ओनली अपन को नंबर ऑफ केसेस बताने, सॉरी क्या बताने, नंबर ऑफ केसेस. तो सीधा क्या करोगे, देखो थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझे, क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं अलग अलग वे में. क्या करना है देखो, मेरे अकॉर्डिंग जो लगता है, अपन एक काम करें, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनमें से एक पर्सन को सेलेक्ट करो. जैसे मैंने ए को फिक्स किया तो पहले ए को आप सेलेक्ट करो, मतलब 5 में से पहले एक पर्सन का क्या करो सिलेक्शन, 5C1, और सेलेक्टेड पर्सन को कोई भी एक कलर दे दो. जैसे लेट आपने उसको रेड कलर दिया, ग्रीन भी दे सकते हो, ब्लू भी दे सकते हो, इसका मतलब 3 में से आप एक कलर का सिलेक्शन करो, उसको लेट आपने रेड कलर प्रोवाइड करवा दिया. क्या किया आपने, 5 में से एक पर्सन का सिलेक्शन किया, सेलेक्टेड पर्सन को एक कलर देना है, तो जैसे लेट आपने इसको रेड कलर दिया. अब इसी के बाद थोड़ा समझने वाला पार्ट क्या, कि अगर ए को आपने रेड कलर दिया तो बी सी डी एफ ई को सॉरी क्या क्या कलर दे सकते हैं. तो देखो इसमें क्या ऑप्शन है, अगर आपने रेड कलर लिया तो सीधी सीधी बात है
इसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन ये है, आप किसी भी एक कलर को मैक्सिमम दो बार दे सकते हो, तीन बार कोई भी कलर दे नहीं सकते। मतलब इसमें दो कलर एक जैसे, अगले दो एक जैसे और अगला कलर डिफरेंट होगा। ना तो चार कलर एक साथ दे सकते, ना पांच दे सकते कि पांचों टोपी रेड हो, पांचों ग्रीन, ना फोर रेड कलर की टोपी दे सकते। मतलब एक कलर की जो टोपी है वो मैक्सिमम टू टाइम्स आप दे सकते हो, ठीक है। तो उसमें टोटल जो ऑप्शन है वो क्या है, आपने दो रेड ली, दो आपने ब्लू ली, तो एक ग्रीन ले सकते हो। ऐसे ही बाकी इस 3C1 का मतलब यही है कि आपने एक कलर को फिक्स किया, जैसे रेड कलर आपने दो लिए तो डबल बीजी होगा, अगर दो ब्लू आपने दो लिए तो अगला केस होगा, ठीक है। तो क्या करना है, देखो 5C1 × 3C1। अब आपने लेट ये लाट किया कि दो रेड हैं, दो ब्लू हैं और एक ग्रीन है, तो क्या करें अपन बोलो। अब आप देखो क्या कर सकते हो, इसको ब्लू दिया मैंने तो मैं इसको ब्लू कलर दे सकते हैं, इसको ब्लू कलर दे सकते हैं, इसको ब्लू दिया, इसको ब्लू दिया, तो अब रेड कलर इधर होगा तो ग्रीन आपका इधर हो सकता है, बोलो आया ना। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की ट्राई करें, मतलब आप क्या करें, या तो ऐसे समझ सकते हो, पहले आप पेयरिंग करके देख सकते हो। दो तीन मेथड में दोनों मेथड समझाने की आपको ट्राई करता हूँ। एक तो यही समझो कि 5C1 3C1, फिर आपने एक कलर फिक्स किया, जैसे रेड कलर फिक्स किया, रेड कलर को आपने इसको फिक्स किया तो मैं इस दोनों को ब्लू दे सकता हूँ, रेड ग्रीन, या फिर कुछ बच्चे बोलेंगे इसको ग्रीन तो इसको रेड, तो उसके अकॉर्डिंग दो ऑप्शन। और अगला केस क्या हो सकता है, किसी ने बोला एक काम करो, हाँ इधर मैं अगर डबल भी ले लिया आपने तो इधर रेड नहीं आ सकता ना उधर, तो इधर जैसे मैंने ग्रीन लिया, इधर अगर आप ग्रीन लोगे तो फिर इधर अपन ब्लू ले सकते हैं। देखो ऐसे समझो अलग से, इसको रेड दिया आपने, इधर ग्रीन, इधर ब्लू, तो इधर क्या लोगे, रेड और ब्लू, या फिर इधर ग्रीन इधर ब्लू, तो इसको भी इंटरचेंज कर दो। तो टोटल जब आपने 5 में से एक पर्सन फिक्स किया, फिर 3 में से एक कलर सेलेक्ट किया फिक्स, तो रिमेनिंग को जो कलर्स देने के ऑप्शन है वो क्या होंगे, उसके चार केस होंगे। क्या होंगे बोलो, टोटल 4 केस। बट इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझोगे तो होगा क्या, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है। जैसे लेट आपने ये केस समझो, कि कोई भी केस समझने की ट्राई करते हैं, कि आपने इसको रेड दिया, ब्लू, रेड, रेड, रेड और ब्लू, ये जो अरेंजमेंट है इसमें, इस टोटल आंसर में ईच अरेंजमेंट आपका दो बार रिपीट होगा। वो दो बार रिपीट कैसे होगा उसको समझे अपन एक बार, तो उसको बाद में बाई टू करना, और दूसरा मेथड भी वो भी देखते बाद में क्यों करना है। देखो जैसे लेट ये ए था, ये बी था, ये सी पर्सन है, ये डी और ये, आपने ए को रेड कलर दिया। इस 3C1 का मतलब क्या है, आपने ए को एक कलर फिक्स किया है, 5C1 का मतलब पर्सन फिक्स किया है। तो इस 5C1 × 3C1 में एक केस ये भी तो होगा ना, कि आपने लेट पर्सन, अपन ने कलर कौन सा माना, रेड ब्लू रेड ग्रीन, इसमें एक केस क्या होगा कि आपने, बात को सुना ढंग से, आपने अगर ए को रेड कलर दिया तो उसमें इस 5C1 × 3C1 में एक केस ये भी होगा कि जैसे लेट आपने इसको रेड कलर दिया हो, अब सी को रेड फिक्स किया आपने, तो फिर इसको रेड मिल सकता है, इसको ब्लू और इसको ग्रीन। इसका मतलब इसके अंदर ईच अरेंजमेंट आपका दो बार रिपीट होगा, तो इसको बाई टू करना अपन को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका 30 आंसर फिर करना, नॉट 60, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं आप देखो ना। और दूसरा मेथड क्या, अपन उससे भी करने की ट्राई करते हैं इसको। सेकेंड मेथड में आप ये समझ सकते हो, जैसे लेट ये 5 पर्सन है, ए बी सी डी और, तो एक काम करो, पहले अपन को ये पता है इस क्वेश्चन में कि आपको इनको रेड ब्लू ग्रीन की हेड देने हैं, तो जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या क्या हो सकता है, दो रेड दो ब्लू और एक ग्रीन, अगला
दो रेड, दो ग्रीन, एक ब्लू, यस सर। या फिर और क्या हो सकता है बोलो? दो ब्लू, दो ग्रीन, एक रेड, दो ब्लू, बस खत्म। और क्या है? दो आर, ये हो गया। और कुछ हो सकता है क्या? दो रेड के साथ दो ब्लू फिक्स किया आपने, तो एक ग्रीन। तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, डबल आर डबल वी जी, डबल आर डबल जी वी, डबल वी डबल जी आर। और कुछ हो सकता है? सोचो एक बार। और कुछ जैसे मैंने डबल जी डबल आर वी, ये मतलब तीन ही केस हो सकते हैं। सिंपल हो गया भाई क्वेश्चन ऐसे, कि तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या तो ये कलर दे सकते हो आप इनको, या ये कलर, या ये कलर। तो एक काम करें, पहले इन तीन में से एक को सेलेक्ट करते हैं, 3C1। अब जब ये अरेंजमेंट लोगे तो गलती हो नहीं सकती। पहले थ्री में से आपने एक कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया। कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा? देखो, अब आपने ये कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया, उसके बाद आप क्या करो, अब इस कलर कॉम्बिनेशन को देना है इन 5 persons में। तो जब 5 persons में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितने वे से कर सकते हैं वो देखो। जैसे लेट इसको रेड, फिर अगला रेड आपने इधर लिया, ठीक है, फिर इधर ब्लू लो सकते हैं, इधर ब्लू तो इधर ग्रीन ले सकते हैं, ठीक है, फिर या फिर रेड को मैं इधर दे सकता हूं, तो रेड, भाई रेड इन दोनों को तो मिल नहीं सकता ना, तो रेड कलर को देने के दो ही ऑप्शन है। एक रेड आपने इस पर फिक्स किया, तो अगले रेड को देने के दो ऑप्शन है, तो अगले को फिल करने का एक ही ऑप्शन होगा। बोलो हाँ ना। आपने क्या किया दोबारा सुनो, इसको रेड कलर दिया, इसको रेड कलर दिया, रेड रेड, तो इसको क्या दोगे? ब्लू। और इसको रेड रेड दे दिया आपने, भाई रेड कलर आपने ए पे फिक्स किया, तो या तो रेड इसको दोगे आप, तो ब्लू इन दोनों को दे सकते हैं, या ब्लू इन दोनों को दे सकते हो। तो केवल इसमें दो ही अरेंजमेंट हो सकते हैं इसको फिल करने के। कितने होंगे बोलो? 2 arrangements ही हो सकते हैं। तो इनटू में क्या जाएगा बोलो? 2C1, कि दो में से एक अरेंजमेंट। और अब जो जिस कलर को आप फिक्स करोगे, कि ऐसे आपने रेड स्टार्ट किया, तो वही सेम प्रोसीजर कि पहले 5 में से 1 person के क्या करोगे? सिलेक्शन, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो मेथड ज़्यादा बेटर है कि पहले 5 में से 1 person सेलेक्ट करो, फिर 3 में से 1 कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करो। एक कलर लेने के बाद रिमेनिंग जो कलर लोगे वो क्या होंगे? दो एक जैसे, दो एक जैसे, दो एक जैसे, या फिर ऐसे समझो 5 में से 1 person लो, फिर इन तीन कलर कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन लो, ये लो 5C1 3C1। और इस कलर कॉम्बिनेशन को बनने के वही दोबारा 4 options होंगे जैसे भी किया था, और बाद में Y2 करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि ईच कलर कॉम्बिनेशन आपका दो बार क्या होगा? रिपीट, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी मेथड अपन अप्लाई कर सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। दी प्रोबेबिलिटी दैट ए मिसाइल हिट्स ए टारगेट सक्सेसफुली इज 0.75%। किसी भी मिसाइल को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या? 3/4 पर, यस सर। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंप्लीटली एटलीस्ट 3 successful hits आर रिक्वायर्ड। किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है आपको, तो 3 उस पर हिट करना मस्ट है। 3 hits अगर आपने प्रॉपर उस पर कर दी तो वो टारगेट आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। चले, देन द मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स दैट हैव टू बी फायर्ड, मतलब मिनिमम कितनी मिसाइल्स आप फायर्ड करें, शो दैट द probability of completely destroy the target is not less than 0.95। मतलब कि टारगेट आपका completely क्या होना चाहिए? डेस्ट्रॉय होना चाहिए। तो जो उसकी प्रॉबिलिटी गिवन है वो क्या गिवन है? लिख सकते हैं पी टारगेट इज डेस्ट्रॉय इज नॉट लेस देन 0.95, मतलब इससे बड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट लेस देन का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। और टारगेट को डेस्ट्रॉय करना है, टारगेट डेस्ट्रॉय कब होगा? जब आप एटलीस्ट 3 successful hits करते हो। 3 भी कर सकते हो हिट, 4 भी कर सकते हो। तो काम करें, सीधा ऐसे लिखो 1 minus probability ऑफ टारगेट हिट एट मोस्ट 2
सक्सेसफुल अटेम्प्ट। यस सर, उल्टा सोचो, मिनिमम थ्री टारगेट, आप थ्री टारगेट अगर हिट कर देते हो तो उसको डेस्टो मानना है, तो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, फाइव भी हो सकते हैं। क्या लिखो, वन माइनस जब एटमोस्ट आप टू टारगेट हिट करें तो क्या करना है, देखो वन माइनस आप ये लेट करो कि लेट आपने उसपे एन मिसाइल्स हिट की, ये पूछा गया कि मिनिमम कितनी मिसाइल्स लेना मस्ट है, मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स, तो लेट आपने एन मिसाइल्स उस पर हिट की, तो देखो टारगेट हिट एट मोस्ट टू, तो कैसे लिखोगे, आपने एन बार उस पर हिट किया तो मैक्सिमम दो हिट होने चाहिए, तो कौन से दो, एन सी टू, और सेलेक्टेड अगर दोनों टारगेट हिट होते हैं तो उनकी प्रॉबिलिटी क्या होगी, थ्री बाई फोर इंटू थ्री बाई फोर का स्क्वायर, और रिमेनिंग आपने हिट तो एन किए बट एन में से दो तो आपके हिट करने पे क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डेस्ट हो जाना चाहिए, दोनों आपके हिट होने चाहिए, इसका मतलब डेस्ट हो चुका है, तो आप हिट तो सारे करोगे ना एन के एन, तो रिमेनिंग हिट करने पे वो डेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वन बाई फोर, तो क्या जाएगा, वन बाई फोर की पावर एन माइनस टू प्लस, सॉरी ये केस माइनस, अगला केस कौन सा माइनस, एट मोस्ट टू हिट, तो दो हिट हो सकते हैं या फिर एक आपने हिट किया हो प्रॉपर, माइनस एन सी वन, उसके हिट होने की प्रॉपर्टी थ्री बाई फोर इंटू रिमेनिंग के हिट नहीं होने की प्रॉपर्टी वन बाई फोर की पावर एन माइनस वन, यस सर, और प्लस एक भी टारगेट ना हो तो सबके हिट, सॉरी माइनस सबके हिट नहीं होने की प्रॉपर्टी वन बाई फोर की पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। ये लो, अब इसको थोड़ा अरेंज कर देते तो क्या आ गया, देखो एक काम करो, ये तीनों नेगेटिव इनको उधर लेके चल जाओ 0.95 को इधर, तो क्या जाएगा 0.05, तो और साइन रिवर्स हो जाएगा आपका, ये आ गया एन सी टू की वैल्यू एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये आ गया थ्री स्क्वायर अपॉन फोर की पावर एन प्लस थ्री एन अपॉन फोर की पावर एन प्लस वन अपॉन फोर की पावर एन इज लेस देन इक्वल टू 0.05 का मतलब वन बाई, चलो ठीक है 0.05 ही कर देते हैं, या 500 मतलब 120 आ गया, कितना आ गया बोलो 120, और चाहो तो 4 की पावर एन इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देन वी विल गेट 9 एन इंटू एन माइनस वन बाई टू प्लस बोलो 3n प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 की पावर एन अपॉन 20। अब ये कह रहा है कि मिनिमम कितनी हिट करें आप, तो देखो सिंपल सा क्या होगा, जैसे इसमें आपने n को 1 पुट किया तो n को 1 लेने पे 0, 3 और 1 4 और ये आ गया 4/20, तो ये लेस है ही ज़्यादा है ना, 4 लेस देन पॉइंट समथिंग, मतलब n इक्वल टू 1 ही लेना, ऐसे ही 2 पुट करोगे तो फॉल्स होगी इनइक्विटी, 2 के बाद 3 4 5, जैसे ही आप इसमें n को 6 पुट करोगे तो ये वैल्यू आपकी इससे ग्रेटर होगी, मतलब ये वैल्यू लेस होगी ये ज़्यादा होगी, और 6 के बाद आप n को कुछ ही पुट करोगे तो ये वैल्यू हमेशा से ग्रेटर होगी, तो आप क्या बोलोगे सीधा आंसर कि मिनिमम 6 आप अगर मिसाइल्स फायर करते हो तो ये इस प्रोबेबिलिटी की कंडीशन को क्या करता फुलफिल, तो देन आपको इसका मिनिमम आंसर फिल करना है n इक्वल टू 6, मतलब ये जो कंडीशन है आपकी इनइक्विटी ये आपकी n ग्रेटर देन इक्वल टू 6 को क्या करती है ऑलवेज सेटिस्फाई, तो देन मिनिमम नंबर ऑफ हिट्स तो क्या आंसर होगा इसका n इक्वल टू 6 आंसर फिल करना, ठीक है चले। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा, इन एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट ए फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 डेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज ऑफ एवरी मंथ एंड इट इज मैंडेटरी दैट नो टू विजिट टेक प्लेस ऑन कंसेक्यूटिव डेज, समझते इसका मीनिंग क्या, आगे क्या बोला गया, देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच सच विजिट टू द फैक्ट्री कैन बी मेड बाय द इंजीनियर ड्यूरिंग द 1 से 15 जून 2021, ये तो माहौल बनाया गया, कोई मतलब नहीं है इसका, इसका सीधा साधा मीनिंग ये कि जैसे लेट कोई भी मंथ माना उसने मंथ मान लिया जून का महीना, 1 से लेके 15 डेज तक, 1 से लेके 15 डेज के बिटवीन उसको उस फैक्ट्री में 4 बार विजिट करना है और नो कॉन्जिटिव डिजिट, कोई भी डेज आपकी कॉन्जिटिव नहीं होनी चाहिए, तो उसको या तो फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो कि लेट इधर आपके पास x1, x2, x3, xn, एन की जगह 15 हो सकता है, ये एक्स एन ये आपके ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हैं ग्रो में, इनमें से आपको आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना नॉन कॉन्जिटिव,
तो एन में से आर नॉन कॉन्जिटिव ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन का फॉर्मूला एन माइनस आर प्लस वन सी आर, सिंपल, जिसमें एन का मीनिंग 15 है और सेलेक्ट कितने करने हैं 4 डेज, तो 15 माइनस 4 प्लस 1 सी 4, दिस इज 12 सी 4, बस यही इसका आंसर है। या फिर रिवर्स समझ सकते हो, ऐसे आप क्या करना है देखो, ऐसे समझो, प्रैक्टिकली देखना, अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे लेट जो 4 डेज है जिनको लेना है नॉन कॉन्जिटिव, उनको मैंने 4 एक्स मान लिया, ये वो डेज है जो नॉन कॉन्जिटिव है, इन 4 डेज पे इसको विजिट करना है और रिमेनिंग 11 आपने वायलेट किए, ये 11 बार वाई है, तो इसका मीनिंग क्या है, जो 11 टाइम्स आपके वाई हैं, इन 11 टाइम्स वाई के बिटवीन आप इन 4 एक्स को जितने वे से प्लेस कर सकते हो उतने वे से आप उस फैक्ट्री में विजिट कर सकते हो नॉन कॉन्जिटिव, तो क्या होगा, इनके बिटवीन टोटल 12 गैप होंगे, 12 गैप होंगे, तो बस 12 में से 4 गैप चुनो बस, और सेलेक्टेड गैप पे फिल करने का एक ही ऑप्शन है। मैंने क्या किया है, जिन 4 डेज पे आपको विजिट करना है उनको चारों को एक्स ने मिल दिया, और जिन पे विजिट नहीं करना है वो वाई इलेवन वाई, तो इलेवन वाई को मैंने पहले स्पेस में क्रिएट कर दिया, इसे रख दिया इसमें, और रिप्लेस करने के बाद जब आपने उन 11 डेज को एक लाइन में अरेंज किया, समझे, तो उनके बिटवीन आपको टोटल 12 गैप्स होंगे, उन 12 गैप्स में से अपन को डेज सेलेक्ट करने, तो क्या होगा 12C4, और ये पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव का फॉर्मूला जो अपन को याद होना चाहिए, ठीक है, ये ज़्यादा यूजफुल है। चलो तो इसका 12C4 आंसर है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है देखो बेटा, इन ए होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल, 6 persons आर टू बी accommodated इन these 4 रूम्स इन such a वे दैट ईच ऑफ these रूम्स containing एटलीस्ट 1 person। एक होटल में 4 रूम्स हैं, 6 person को वहां स्टे करना है, ईच रूम में एटलीस्ट 1 person तो आपको उसको उसमें स्टे करवाना है, और एटमोस्ट 2 persons, और मैक्सिमम एक रूम में 2 person रह सकते हैं, मैक्सिमम रह सकते हैं। देन दी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच दिस कैन बी डन इज, तो उसको प्रैक्टिकली ऐसे समझें, जैसे मेरे पास 6 persons हैं या 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने इन 6 persons को ऑब्जेक्ट नेम दे दिया, इन 6 ऑब्जेक्ट को आपको 4 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 ग्रुप्स का मतलब एक रूम इधर रखा हुआ है, एक रूम ये रहा, एक ये रहा, एक रहा, 6 पर्सन को इनको 4 रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और नो रूम इज एम्प्टी, तो क्या करोगे, 6 को 4 में अपन को ऐसे करना है, मिनिमम सबको एक एक तो देना ही देना है, ये लोग पहले एक एक पकड़ा दें, आप बचे कितने 2, अब किसी एक को 2 नहीं दे नहीं सकते तो उसके पास 3 बन जाएंगे, इसका मतलब आप किन्हीं भी 2 रूम में 2-2 पर्सन दे सकते हो, तो पहले क्या किया आपने, 6 आइटम को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 1 1 2 2, तो क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, ये टी डायग्राम की हेल्प से करें आप, तो क्या हुआ इसमें, ये 2 ग्रुप्स आपके इक्वली डिवाइड हैं, तो वाई फैक्टोरियल 2, और ये 2 ग्रुप्स भी आपकी इक्वली डिवाइड है, तो अगेन वाई फैक्टोरियल 2, ये तो हो गया इनका 6 पर्संस का 4 रूम्स में डिस्ट्रीब्यूशन, एटलीस्ट 1 और एटमोस्ट 2, लेकिन ये ग्रुप्स नहीं है, ये आपकी रूम है, रूम्स आर डिफरेंट, तो इनटू करना फैक्टोरियल 4, बस इसको सोल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक सिंपल मेथड है क्वेश्चन को करने का, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इट इज ए गुड क्वेश्चन, दे 2 फेयर डाइस ईच विद फेस नंबर 1 to 6 आर रोल्ड टुगेदर एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस इज ऑब्जर्वड, मतलब आपने 2 डाइस को रोल किया तो उनकी जो डिजिट्स हैं उनका सम आपने ऑब्जर्व किया, दिस प्रोसेस इज रिपीटेडली टिल द सम इज आइदर और प्राइम नंबर और ए परफेक्ट स्क्वायर, इस प्रोसेस को कब तक चलाना है कि जब तक सम प्राइम नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ जाए, सपोज द सम टर्न आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट्स टर्न आउट टू बी ए प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या है, ये सपोज करना है, मानना है कि सम टर्न आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर, कि सम परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए और उसके बाद सम आपका
प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है, मीनिंग है सम टर्न आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर बिफोर दिस टर्न आउट टू बी दी प्राइम नंबर। इसका मीनिंग ये है कि जो डिजिट का समय वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो प्राइम नंबर, सम प्राइम नंबर आने से पहले, प्राइम जो डिजिट का समय वो प्राइम नंबर आने से पहले आपका परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, ये इसमें मेंशन किया गया, ठीक है। इफ पी इज दी प्रोबेबिलिटी दैट दी दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, तो इस परफेक्ट स्क्वायर के ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो बताओ 14p की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, इसमें कुछ है नहीं वैसे थियोरेटिकल, तो देखो इसको एक बार डायग्राम के, डायग्राम के देखो, पहले देखो सम इज प्राइम, सम प्राइम होना चाहिए, तो इसका मीनिंग क्या होगा, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, क्योंकि टोटल सम 12 हो सकता है, तो प्राइम नंबर होने के केस क्या होंगे, 1, 1 हो सकते हैं, सम 3 आने का मेथड 1, 2 या 2, 1 हो सकता है, सम 2 हो सकता है, सम 3, 5 होने के मेथड 1 के साथ 4 हो सकता है, 4 के साथ 1 ले सकते हैं, 2 के साथ 3 और 3 के साथ 2, 7 के लिए 1 के साथ 6 ले सकते हो, 2 के साथ 5 ले सकते हो, 3 के साथ 4, इनको रिवर्स कर दो, 4 के साथ 3, 5 के साथ 2 और 6 के साथ, ये बात हुई आपकी 7 की, और बचा 11, 11 के लिए ऑप्शन होगा 6, 5 और 5, 6, मतलब डिजिट का सम प्राइम नंबर होने के कितने ऑप्शन है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये टोटल 15 ऑप्शन से उन डिजिट का सम एक प्राइम नंबर हो सकता है 2, 3, 5, 7 और 11। फिर लिखोगे सम इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सम आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, या तो परफेक्ट स्क्वायर 1 हो सकता है या 4 या 9, 1 से 12 में परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा, 1, 4, 9, लेकिन 1 तो आ नहीं सकता ना दो डिजिट का सम, तो क्या हो सकता है 4 आने का मेथड, 1 के साथ 3 हो सकता है, 2 के साथ 2 ले सकते हो और 3 के साथ 1, और सम इज 9, 9 के लिए 6 के साथ 3 ले सकते हैं, 5 के साथ 4, 4 के साथ 5 और लास्ट में आ गया 3 के साथ 6, ये टोटल आपके कितने वेज हैं, 4, 3, 7, तो 7 वैसे जो डिजिट का समय वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अपन ये लिखेंगे इसमें कि प्रोबेबिलिटी सम इज प्राइम और परफेक्ट स्क्वायर, सम आपका प्राइम या परफेक्ट स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें कुछ कॉमन तो होगा नहीं ना, इसको इवेंट ए नाम दिया, इसको इवेंट ए, तो पी ए यून बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधा दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे, तो कितना आ गया 22/36। इसका मीनिंग क्या है कि सम इज प्राइम और परफेक्ट स्क्वायर, कि सम या तो प्राइम होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब अपन को फाइंड आउट करना, उस पर काम करेंगे, तो उसके काम करते हैं, हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखें, सम अगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो सम अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/36, 7/36, सम के प्राइम और परफेक्ट स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी तो 22/36 है, और परफेक्ट स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी 7/36 होगी, और परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड नंबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/36, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑड का मतलब 9 हो सकता है, तो उसकी 4 ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। छोटी मोटी बातें ध्यान रखें, फिर अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना है, लिख देता हूं मैं इसको एक बार दोबारा, प्रोबेबिलिटी सम इज प्राइम और परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या आंसर जाएगा, 22/36, और अगर ये हो कि प्रोबेबिलिटी सम इज नॉट प्राइम और परफेक्ट स्क्वायर इज कितना जाएगा, 1 में से कम कर दो उसको, तो 14/36, ठीक है। चलो देखते हैं इसका कोई यूज होगा,
सम प्राइम नंबर और परफेक्ट स्क्वायर होने की प्रॉबर्टी तो 22 बाय 36 है, और सम के परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम नहीं होने की प्रॉबर्टी 14 बाय 36 है। अब अपन को प्रॉबर्टी किसकी बतानी है वो देखो, ये कंडीशन प्रॉबर्टी का क्वेश्चन है। प्रॉबर्टी सम इज परफेक्ट स्क्वायर ऑड परफेक्ट, सीधे लिख देते हैं ऑड परफेक्ट स्क्वायर। कब क्वेश्चन बोला गया कि परफेक्ट स्क्वायर के सम होने की प्रॉबर्टी बताओ, ये ऑलरेडी क्या कट हो चुका हो कि जो डिजिट का सम है वो आइदर प्राइम नंबर और ए परफेक्ट स्क्वायर, ये लिखना है। सम इज प्राइम और परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको में बेसिकली करना क्या है, थोड़ा सा इसको क्रिटिकल पार्ट है। न्यूमेरेटर में तो क्या होगा कि सम आपका ऑड परफेक्ट स्क्वायर हो, इसको इवेंट अगर ए मानते हो उसको इवेंट बी, तो न्यूमेरेटर में क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी, ठीक है। अब देखो अपन इसको लिखते हैं एक बार, इसमें पी वी का मीनिंग तो क्या होगा, इसमें पी वी का मीनिंग क्या है, सम इज प्राइम नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। जब सम इज प्राइम नंबर और परफेक्ट स्क्वायर, बट क्वेश्चन में एक बात बोली गई है कि ये प्रोसेस कब तक चलेगी, कि परफेक्ट स्क्वायर आ गया उसके बाद में क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए बोलो, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो एक काम करोगे, आपने उसको पहली बार टॉस किया और परफेक्ट स्क्वायर आ गया सम, तो सीधी प्रॉबर्टी क्या होगी बोलो, 7/1 ओके। इसकी प्रॉबर्टी का मतलब क्या होगा, सम इज प्राइम नंबर और परफेक्ट स्क्वायर टिल अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ये नहीं लिखना कि ये इसका आंसर लिख दो आप सीधा, नहीं, इसमें लिखोगे आप कि जो समय आपका वो क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। ये जो प्रोसेस है, ये जो पोर्शन है आपका, ये सही बात है, बट ये आपका पहली बार में कर हो सकता है, तो पहली बार आपने टॉस किया और सीधा मेरा क्या आ जाना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/36 प्लस आपने पहली बार थ्रो किया, तो पहली बार डाइस को थ्रो करने पे ना तो सम मेरा परफेक्ट स्क्वायर हुआ, ना मेरा सम क्या है प्राइम, तो इसका मीनिंग उसको आप अगेन प्रोसेस करोगे, इसका मीनिंग सम और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने की प्रॉबर्टी क्या लगेगी, 14/36। ऐसा नहीं है तो आप उसको सेकेंड टाइम आपने थ्रो किया और अब अगेन दोबारा आ गया कि अपना कौन आ जाए बोलो परफेक्ट स्क्वायर, तो उसकी प्रॉबर्टी दिस पार्ट, दोबारा क्या पहली बार थ्रो किया सम ना तो प्राइम है ना परफेक्ट है, तो उसकी प्रॉबर्टी दोबारा भी नहीं है, तो दोबारा ये रिपीट करोगे और अगेन परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रॉबर्टी, मतलब ये आपको इन्फिनिट जीपी बनेगी, ठीक है, इंटू 7/36 ये प्रोसेस बनेगी इन्फिनिटी। ये तो बात हुई पीवी की, कि आपने पहली बार ट्रॉस किया और सीधा परफेक्ट स्कोर आ गया, तो परफेक्ट स्कोर आने की प्रॉबर्टी 7/36, अपना काम यही फिनिश हो चुका है। आपने पहली बार टॉस किया और जब सम ना तो परफेक्ट स्कोर हुआ ना क्या हुआ प्राइम नंबर, तो आप उसको अगेन थ्रो करोगे, तो ये लो सेकेंड बार भी अगर यही प्रॉब्लम तो थर्ड बार थ्रो करोगे और ये अप टू इन्फिनिटी सीरीज चलेगी। ये जीपी का फॉर्मूला इन्फिनिटी सीरीज का a/(1-r), तो उसको सॉल्व कर सकते हैं अपन इजीली, ठीक है। चलो इसके बाद पी ए इंटरसेक्शन बी में भी इसी टाइप से कुछ करना है, तो देखो उसमें क्या लिखोगे, इसको अपन हटा देते हैं, इसका मीनिंग लिखोगे पी ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है, वही सेम प्रोसीजर कि सम प्राइम नंबर और परफेक्ट स्क्वायर तो होना चाहिए, बट सम प्राइम और परफेक्ट स्क्वायर तो होना चाहिए, बट प्राइम नंबर इज ऑड, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। तो क्या हुआ, जैसे आपने पहली बार में थ्रो किया, अब ये काम करना है कि थ्रो करने पे जो समेशन है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर तो होना चाहिए बट वो ऑड परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो आपने पहली बार ही थ्रो किया और फर्स्ट टाइम थ्रो करने पे आपका सम क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर हो और साथ ही साथ ऑड हो, तो उसकी प्रॉबर्टी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर के ऑड होने की प्रॉबर्टी 4/36 प्लस वही सेम प्रोसीजर, आपने पहली बार थ्रो किया और अगर ये प्रोसेस मिली नहीं मेरे को कि ना तो सम प्राइम हुआ ना परफेक्ट स्क्वायर, तो आप अगेन थ्रो करोगे इसको, तो
तो देन क्या लिखोगे बोलो, 14/36। पहली बार आपने थ्रो किया बाई चांस, इन दोनों में से कुछ भी अकर नहीं हुआ, इसका मतलब परफेक्ट स्कोर की बात ही नहीं कर सकते ना, ऑड की बात तो बाद में करोगे। तो देन आप क्या लिखोगे, 14/36 इनटू, अब सेकंड टाइम टॉस किया और बाई चांस ये आ गया आपका परफेक्ट स्क्वायर ऑड, तो ये लिखोगे, प्लस पहली बार थ्रो किया कुछ नहीं मिला अपन को, अगेन 14/36, और थर्ड टाइम में आपको क्या मिल गया, परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड नंबर। तो ये भी आपकी इन्फिनिटी टाइम्स की इन्फिनिटी सीरीज होगी जीपी की, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करके वैल्यू पुट करोगे तो इससे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आती है वो आती है 2/7, और जैसे ही 2/7 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा, ये देखना शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, 14 एग्जैक्ट आंसर याद नहीं मेरे को, शायद ये 4/7 होगा, सॉरी क्या होगा बोलो, 4/7, ठीक है, क्या होगा 4/7, तो 18p की वैल्यू होगी 8 आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चले उसके बाद देखो, ये इसका साथ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या करना है। लेट, ये भी एक ठीक क्वेश्चन था, लेट C1 and C2 बी टू वाइस्ट कॉइन सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ए सिंगल टॉस इज 2/3, मतलब वो दोनों खराब सिक्के ऐसे समझते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हेड ऑन C1, C1 कॉइन को टॉस करने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। पी हेड इंटरसेक्शन C2 कॉइन को टॉस करने पे उस पर हेड आने की प्रॉपर्टी बनवाई थी, ये कुछ बोला गया, ठीक है। चलो सिंगल थ्रो, अब आप ये चलते हैं अपन, सपोज अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर ऑन C1। अल्फा का मीनिंग क्या कि C1 पे जब आप डाइस को दो बार टॉस करते हो तो अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड दैट अपीयरिंग व्हेन C1 इज टॉस्ड। अल्फा का मीनिंग क्या, अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड व्हेन C1 इज टॉस्ड। C1 को टॉस करने पे पहली बार टॉस किया, दूसरी बार टॉस किया, तो पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार हेड आ गया तो अल्फा 2 आ गया। पहली बार हेड हो, दूसरी बार टेल हो तो अल्फा आपका 1 हो गया, या दोनों बार टेल है तो अल्फा मेरा 0 हो सकता है, तो अल्फा की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है। सिमिलरली बीटा के लिए भी ऐसे बोला गया है कि बीटा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयरिंग व्हेन C2 इज टॉस्ड ट्वाइस इंडिपेंडेंटली, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पॉलीनोमियल दिस पार्ट आर रियल एंड इक्वल। तो इस पॉलीनोमियल की रूट्स अगर इक्वल हैं तो क्या करोगे, बी स्क्वायर डी जीरो, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा की कंडीशन क्या होगी, देखो अपन को पता अल्फा 0, 1, 2 और बीटा भी 0, 1, 2 हो सकता था। एक काम करो ना, अगर बीटा 0 लोगे तो अल्फा 0 आ गया, और यदि बीटा को 1 लोगे तो अल्फा मेरा 2 आ गया, बस यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर बीटा को 2 लोगे तो अल्फा 2√2 हो ही नहीं सकता ना। इसका मीनिंग क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स अगर रियल हैं तो या तो अल्फा बीटा दोनों 0, 0 हो, मतलब दोनों कॉइन को टॉस करने पे दोनों पे हेड नहीं आना चाहिए दोनों बार में। अल्फा 0 का मीनिंग दो बार टॉस करने पे दोनों बार हेड नहीं हो, बीटा 0 का मीनिंग दो बार टॉस करने पे C2 को हेड नहीं हो, प्लस ट्वाइस टाइम टॉस करो आप कॉइन C1 को तो दोनों बार हेड हो, सेकेंड पे एक बार हेड हो दूसरी बार टेल होना चाहिए। तो देखो क्या करना है, सीधा इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, आपने C1 कॉइन को टॉस किया, अल्फा 0 है, इसका मतलब एक ही बार हेड नहीं हो, मतलब C1 को टॉस करने पे पहली बार भी टेल होना चाहिए दूसरी बार भी टेल, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 × 1/3। ये लो बीटा 0 का मीनिंग सेकेंड कॉइन को टॉस करने पे उस पर भी हेड नहीं आना चाहिए दोनों बार, तो अगेन 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी, उल्टा 1-, ये तो बात हुई इसकी, प्लस अल्फा 2 का मीनिंग C1 कॉइन को टॉस करने पे दोनों टाइम आपका हेड आना चाहिए, तो 2/3 × 2/3। ये लो इनटू बीटा 1 का मीनिंग C2 कॉइन को ट्वाइस टाइम टॉस करने पे एक बार हेड आना चाहिए, कौन सी बार, वो पहली बार भी हो सकता है हेड दूसरी बार, तो पहले क्या लिखोगे 2C1। ये लो, और उसके हेड आने की प्रॉपर्टी 1/3 और एक बार हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, बस इसको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो देख लेते हैं कितना आ गया, देखो ये तो आ गया 4/81, इधर लिख देते हैं 4/81 प्लस
देखो अपोन में तो वही सेम ही T1 है, और न्यूमेटर में क्या गया देखो 2 2 2 2, तो 16 आ गया लो, तो देन ऐड करने पे आ गया 20/81। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था। चलो बेटा थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपन, चलो जाओ।